हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग इशू इशू ऑफ़ ऑफ़ शेयर्स के बाद आसान हो जाता है तो आज के वन शॉट में इशू ऑफ डिबेंचर को जीरो टू एंड पूरा का पूरा अच्छे से कवर करेंगे हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट और एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जनल एंट्री हो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हो अकाउंट हो हर हर तरीके का क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में इन डिटेल में बिल्कुल इन डेप्थ के अंदर जाके रिवीजन करेंगे तो क्लास अच्छे से वीडियो एंड तक देखना क्लास और इश्यू ऑफ डिवेंचर को पूरी तरीके से आज खत्म करना है तो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर वन शॉट कोई भी कंपनी फंड्स को जब रेस करती है मैंने शुरू में आपको बताया हुआ है कंपनी को फंड्स को रेस करने के लिए क्लास उनके पास दो रास्ते हैं या तो कंपनी अपनी ओनरशिप दे दे और शेयर्स ले ले जिसपे क्लास उन्हें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा देर इज नो फिक्सड ओब्लिगेशन फॉर द कंपनी या फिर कंपनी उधार ले ले जिसको बोलते हैं डेट डेट का मतलब होता है डिबेंचर्स अब कंपनी उधार तो बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से भी ले सकती है लाइक बैंक से भी ले सकती है बट प्रॉब्लम क्या है कि बैंक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कोलेक्ट्रल रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों को गिरवी रखना पड़ेगा बैंक बहुत सारे इंस्पेक्शन करेगा सैंक्शन अमाउंट देगा भी प्रॉपर या नहीं देगा इसीलिए क्लास कंपनी एक और रास्ता निकालती है दैट सोर्स इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंपनी एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट बनाती है जिसको बोलते हैं डिबेंचर्स मान लो ये सौ रुपए का एक है अगर कंपनी को एक करोड़ रुपए की जरूरत है तो कंपनी पब्लिक को एक मैसेज डाल देगी सब तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा कि भैया हमें एक करोड़ रुपए की जरूरत है तो अगर आप हमारी कंपनी के सौ रुपए वाले डिबेंचर्स को खरीदना चाहते हैं तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम आपको हर साल 10 परसेंट का इंटरेस्ट देंगे ही देंगे कंपनी को फायदा हो कंपनी को नुकसान हो पैसा हो ना हो कोई मतलब नहीं है हम आपको एवरी ईयर इतना इंटरेस्ट देंगे ही देंगे तो अगर एक करोड़ रुपए की जरूरत है सौ का एक डिबेंचर है तो एक लाख डिबेंचर्स ठीक है एक लाख डिबेंचर्स एट द रेट हंड्रेड इच एक लाख डिवेंचर्स है और हर डिबेंचर जो है वो सौ रुपए का है तो इस तरीके से क्लास कंपनी एक करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेगी जनता से बहुत कम समय में हर साल उनको इंटरेस्ट पे करेगी चार साल पाँच साल दस साल जो भी हमारे बीच बात हुई है उस टाइम पे क्लास उनको उनका पैसा रीपे भी कर देगी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर जब कंपनी डिबेंचर देती है पब्लिक को पब्लिक से पैसे लेती है इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर और जब कंपनी पब्लिक को पैसा लौटा देती है अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस ले लेती है दिस इज कॉल्ड रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स आपके सिलेबस में दो पार्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और इश्यू ऑफ शेयर्स और उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमने हम मान लो कंपनी है हमने आपको डिबेंचर दिया और आपसे पैसे ले लिए दिस इज़ कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स अब हम आपको हर साल का ब्याज इंटरेस्ट पे करते चले जाएंगे फिर पाँच साल बाद हम आपको आपके पैसे लौटा देंगे और आपसे वापस डिबेंचर्स को ले लेंगे दिस इज़ कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बट आपके सिलेबस में रिडम्पन ऑफ डिबेंचर्स नहीं है तो यू हैव

अब पब्लिक मान लो तो किसी को कंपनी को सौ रुपए देने हैं तो एक डिबेंचर खरीदेगा किसी को कंपनी को हजार रुपये देने हैं तो वो दस डिबेंचर खरीदेगा मान लो मैं मैं एक इंसान इंसानों मैं कंपनी में एक लाख रुपये लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा एक लाख रुपये लगाना चाहता हूँ हजार डिबेंचर खरीद लूँगा कितने वाले सौ वाले तो कितना बन जाएगा एक लाख रुपये तो इसी तरीके से कोई कुछ डिबेंचर लेगा कोई कुछ डिबेंचर लेगा और कंपनी की क्लास पैसा आ जाएगा कंपनी रेलिवेंट पार्टी को इंटरेस्ट टाइम पे पे कर देगी यही कहानी है क्लास पूरी की पूरी इशोब डिबेंचर्स क्या हो पढ़ते डिबेंचर्स होता क्या है डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट कह लो इशूड बाय द कंपनी जो कंपनी इशू करती है एक्नॉलेजिंग यानी स्वीकार करना द बोरोइंग कि उन्होंने उधार लिया है और जिस उधार पे वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल देते चले जाएंगे जनरली इन जनरल डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए इशू होते हैं क्लास कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है चार साल पाँच साल दस साल बीस साल के लिए लेती है छः महीने नौ महीने भर के लिए नहीं लेती तो जनरली क्लास कंपनी डिवेंचर जो लेती है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेती है तो आप ये समझ सकते हो जब भी हम डिबेंचर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं परसेंटेज डिबेंचर्स मान लो नाइन परसेंट डिबेंचर तो ये जो नाइन है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट हर साल क्लास उन डिबेंचर्स पे नौ साल का इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो इस तरीके से क्लास डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी पब्लिक को और पब्लिक से पैसे ले लेगी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है क्लास और जनरली इसको लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है सो so इसी लिए क्लास इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कहते हैं और ये क्या होता है लॉन्ग टर्म डेट ठीक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह लो या लॉन्ग टर्म डेट कह लो ठीक है, पूरी कहानी का एक बेसिक आइडिया अंडरस्टैंडिंग लग गया होगा आपको डिवेंचर्स है क्या अच्छा नेक्स्ट जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स ख़रीदे होते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हो सिमिलरली जिन लोगों ने कंपनी के डिबेंचर्स को ख़रीदा हुआ है उनको बोलते हैं डिबेंचर है होल्डर तो, तो डिबेंचर होल्डर।, तो होल्डर को क्लास हम हर साल इंटरेस्ट पे करते हैं और वो इंटरेस्ट क्लास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट कंपनी साल में एक बार भी दे सकती है और साल में दो बार भी दे सकती है छ छः महीने में जैसे भी कंपनी की मर्जी है वो उस हिसाब से बेसिकली इसको पे कर सकती है कंपनी जो इंटरेस्ट पेड करती न, है ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है यानी कि कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को चाहे कंपनी को मुनाफा हो मुनाफा ना हो इस बात से कोई लेना देना नहीं है अगली बात जो ध्यान रखने वाली है डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट एज लाइक शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट होते हैं उनके पास शेयर होल्डर जो है वो वोट करते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग में वो जाते हैं बट डिवेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट right नहीं है भैया उन्होंने तो उधार दिया हुआ है जी मैंने आपको उधार दिया आप पैसे को आग लगा दो कुछ भी कर दो मुझे मतलब नहीं है मुझे मुझे तो अपने इंटरेस्ट से मतलब है और पाँच साल बाद आपको पैसा लौटाने से मतलब है ठीक है डिेंचर कैन बी इशू कंपनी क्लास डिवेंचर को पार पर प्रीमियम पर डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है मान लेते हैं क्लास <coughs> मैं एक पेपर ले लेता हूं मान लेते हैं ये है क्लास एक पेपर मान लो मेरे पास ठीक है ये पेपर है मेरे पास अब ये है क्लास एक हैचर्स ठीक है मैंने आपको एक डिबेंचर दिया आपसे सौ रुपये ले लिए इसकी फेस वैल्यू भी सौ रुपए है इसका मतलब डिबेंचर किस पे इशू हो रहा है क्लास पार पे सेकेंड कंडीशन में मैं आपको डिबेंचर इशू करता हूँ और आपसे नब्बे रुपए ले, ले लेता हूँ मैं तो ये डिबेंचर सौ का है बट आप मुझे बस नब्बे रुपये दे दो इसका मतलब डिबेंचर किस पे इशू

अगर मैं इसकी जर्निट्री बात करूं शेयर चैप्टर में शेयर चैप्टर में जहां जहां आपने शेयर लिखा था डिबेंचर चैप्टर में वहां वहां अब शेयर की जगह बस डिबेंचर कर दोगे शेयर काट के डिबेंचर शेयर कैपिटल में जहाँ जहाँ शेयर चैप्टर में आपने शेयर कैपिटल लिखा था वहाँ वहाँ अब क्लास आप परसेंटेज डिबेंचर्स लिख दोगे लाइक नाइन परसेंट डिबेंचर टेन परसेंट डिबेंचर जो भी है वो आप लिख दोगे और आपको पता है शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता था फेस वैल्यू से तो परसेंटेज डिबेंचर भी हमेशा क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से ठीक है और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है नौ परसेंट दस परसेंट उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट राइट कूपन रेट बेसिकली पहले कूपन मिला करते थे हर साल के इंटरेस्ट के तो इसलिए पुराना नाम चलता आ रहा है कूपन रेट या आप इसे इंटरेस्ट रेट कह लो तो ये पूरी कहानी है तो जब मैंने तुमको जनल एंट्री बता दी शेयर की जगह डिबेंचर शेयर के आप परसेंटेज डिबेंचर तो आओ कुछ क्लास एग्जांपल से एंट्रीज समझते हैं पूरी की पूरी कहानी देन क्लास कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे तो अगर मैं जनल एंट्री की बात करूँ तो डिबेंचर्स वैसे क्लास पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों में इशू हो सकता है मैं बता दूं डिबेंचर क्लास पार पर भी इशू हो सकता है डिबेंचर्स प्रीमियम पर भी इशू हो सकता है और डिबेंचर्स डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है अभी मैं आपको क्लास एक एक करके सारे केसेस की एंट्री समझाऊंगा अच्छे से मान लेते हैं अपने इसी एग्जाम्पल में ले लेते हैं कंपनी ने हज़ार डिबेंचर्स इशू किया है कितने डिबेंचर्स हैं क्लास थाउजेंड डिवेंचर्स एट द रेट हंड्रेड एच ठीक है इसमें क्लास जो एप्लीकेशन है वो मान लो क्लास ट्वेंटी है और अलॉटमेंट जो है वो एट्टी है ठीक है पार पे लेकिन प्रीमियम का मतलब क्या है ये जो सौ का डिबेंचर्स है बीस रुपये प्रीमियम कंपनी ने कितने में इशू किया है वन हंड्रेड ट्वेंटी में और डिस्काउंट का मतलब मान लेते हैं क्लास देखो शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते बट कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है हंड्रेड माइनस टेन कितना हुआ क्लास नाइन्टी तो अब इस किस केस में एप्लीकेशन मनी मान लेते हैं क्लास ट्वेंटी है और जो बैलेंस है वो अलॉटमेंट है अच्छा मुझे बताओ सारे बच्चे ये 120 है टोटल 100 प्लस 20 तो अलॉटमेंट कितने का होगा मुझे बताओ अलॉटमेंट कितने का होगा अलॉटमेंट ऑब्वियसली क्लास कितना होगा 100 का तभी तो 120 में, 100 कैसे आया एट्टी प्लस ट्वेंटी रुपीज प्रीमियम क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम कहां पर लगता है क्लास अलॉटमेंट पे ये बात आप जानते हो अगर क्लास यहाँ की बात करें एप्लीकेशन ट्वेंटी है अलॉटमेंट जितने की है बैलेंस है टोटल है नाइनटी हंड्रेड माइनस टेन प्रीमियम प्लस होता है और ऑब्वियसली डिस्काउंट क्या होगा माइनस तो अब इस सिचुएशन में ध्यान समझना इस सिचुएशन के अंदर अलॉटमेंट जो है वो कितने का बनेगा क्लास यहाँ पे 70 70 कैसे बना 80 माइनस टेन बिकॉज डिस्काउंट क्या होता है माइनस होता है फेस वैल्यू 80 थी बस दस रुपये का डिस्काउंट लग गया तो 70 तो ये क्वेश्चन हो गया कंपनी ने हज़ार डिवेंचर इशू किया है सौ का एक है पहले केस में पार पे इशू हुआ दूसरे केस में प्रीमियम पे इशू हुआ तीसरे केस में डिस्काउंट पर इशू हुआ अब चलते हैं क्लास इसकी जर्नल एंट्री को समझते हैं जहां जहां तुमने शेयर वर्ड यूज किया था वहां वहां तुम अब डिबेंचर वर्ड यूज करोगे जहां जहां तुमने शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया था वहां वहां अब आप परसेंटेज डिबेंचर यूज करोगे तो मैं मान लेता हूँ जो कंपनी डिबेंचर इशू किए हैं वो नाइन परसेंट का इंटरेस्ट बियर करता है नाइन परसेंट डिबेंचर है तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं तो आपने एप्लीकेशन की एंट्री क्या की थी पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर की जगह इतना ही फर्क है बस तो आप एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हजार डिबेंचर है बीस रुपए का एक है तो ये बनेगा बीस हजार बीस हजार बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज अच्छा दूसरी एंट्री आप पहले क्या करते थे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल राइट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन की जगह आ जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल की जगह आ जाएगा परसेंटेज डिवेंचर प्लीज़ ये एंट्री बहुत अच्छे से याद कर लेना यकीन मानो अगर आपको ये एंट्री नहीं याद हुई बहुत परफेक्ट तरीके से तो ये चैप्टर स्मूदली चलेगा नहीं फिर तुम्हें आगे दिक्कत आने लग जाएगी सो so, एंट्री जितना भी मैं तुम्हें करा रहा हूँ मुंह जबानी तुम्हें याद होना चाहिए वो तो ये कितना बनेगा ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन हो गया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल तो शेयर की जगह गया परसेंटेज डिबेंचर तो ये हो गया क्लास शुरू की दो एंट्री बेसिकली एप्लीकेशन की एंट्री अब हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री ध्यान समझना पहले एंट्री क्या करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो शेयर की जगह क्या आ जाएगा अब अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखते हैं नाइन परसेंट डिबेंचर वो भी हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है ये आपको पता है थाउजेंड डिबेंचर से एट्टी का हो गया तो कितना बनेगा एट्टी थाउजेंड एट्टी थाउजेंड और अगले एंट्री हो क्लास जैसे मान लो एंट्री क्या अलॉटमेंट टू कैपिटल शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर फिर बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट पहले क्या करते थे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट शेयर की जगह आ जाएगा डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट शेयर में फॉर फीचर रीइू वो सब कुछ था इसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या है ना इसमें फॉर फीचर है ना इसमें री इशू है ना ही इसमें क्लास प्रोराटा जैसा खतरनाक क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत सिंपल सिंपल सी एंट्रीज है बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है शेयर्स का शुरू का समझ लो ट्वेंटी ही है इसके अंदर बस और कुछ नहीं तो ये हो गई क्लास आपकी दो क्लास पूरी की पूरी एंट्री अगर क्लास सॉरी डिबेंचर्स पार पर इशू किया जाता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल होगा तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल बस शेयर की जगह डिबेंचर शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर ठीक है तो ये हो होगा एंट्री अब हम करते हैं क्लास प्रीमियम पर एंट्री अगर ये डिवेंचर प्रीमियम पर इशू होते तो क्या एंट्री करोगे सुनो मेरी बात तो पहली दो एंट्री एप्लीकेशन की ना वो बिल्कुल सेम है कट कॉपी पेस्ट क्यों क्लास कितने डिवेंचर हैं हजार डिवेंचर एप्लीकेशन कितने की है ट्वेंटी की तो पहली एंट्री बैंक टू डिचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिवेंचर ये क्या बनेगा बिल्कुल सेम देर इज नो चेंज एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट बिकॉज नंबर ऑफ डिवेंचर भी वही है और क्लास एप्लीकेशन का मनी भी ट्वेंटी है चेंज आएगा अलॉटमेंट में बिकॉज यहाँ अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू है प्रीमियम नहीं है एट्टी का लेकिन यहाँ पे एट्टी प्लस ट्वेंटी प्रीमियम है तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट होता है आप सबको पता है देखो मैं सबसे यही रिकमेंड करूँगा कि शेयर्स थोड़ा बहुत एटलीस्ट शेयर्स की दो क्लास तीन क्लास आपने देखी होगी तभी आपको डिवेंचर्स समझ आएगा अच्छे से क्योंकि शेयर्स के बाद है डिवेंचर्स एंट्रीज बिल्कुल सेम है शेयर जैसी तो पहले शेयर कैप शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करते थे अब करोगे डिंचर्स अलॉटमेंट डेबिट टू नाइन परसेंट अकाउंट, पहले एंट्री शेयर करोटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अभी भी आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता था अभी भी क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह लिख दिया परसेंटेज डिबेंचर शेयर अलॉटमेंट की जगह आएगा डिबेंचर अलॉटमेंट कितने का क्लास ये हंड्रेड का परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा क्या आता है फेस वैल्यू जो कि एट्टी है और सिक्योरिटी भी हम कितने का है क्लास ट्वेंटी हम एंट्री कर रहे हैं अलॉटमेंट की तो हमने अलॉटमेंट का फिगर उठा के एग्जिया हंड्रेड एट्टी ट्वेंटी फिर अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट देखो इसमें हम उधार ले रहे हैं पब्लिक से तो इसमें कोई पैसे ना दे आगे चल के ऐसा कुछ होगा नहीं कि कोई पैसे नहीं दे रहा भाई उधार ले रहे हैं तो हम पैसे कैसे नहीं दोगे ये कोई और चीज़ थोड़ी कुछ उधार ही ले रहे हैं आपसे तो पैसा ना देना एरियर है एडवांस है ये सब चीज़ें नहीं होता इसके अंदर फॉर फ्यूचर रीश्यू कुछ भी नहीं है इसके अंदर चीज़ों को सिंपल रखो कितने डिवेंचर्स हैं क्लास हज़ार डिवेंचर्स हज़ार इंटू सौ कितना बनेगा एक लाख हज़ार इंटू अस्सी अस्सी हज़ार हज़ार इंटू बीस थाउजेंड इन ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ आ जाएगा वन लाख वन लाख

और आपको पता है डिस्काउंट डेबिट होता है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट और दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री बहुत अच्छे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बिना एंट्री के चैप्टर मज़ा नहीं आएगा और क्लासेस चैप्टर लगभग छः से आठ नंबर तक जा सकता है मिनिमम छः तो फिक्स है आठ नंबर तक जा सकता है और बहुत सिंपल है क्लास बहुत ही सिंपल है तो प्लीज़ आप यार एंट्री बहुत अच्छे से लर्न करना एंट्री अच्छे से लर्न करके ही आगे चलना यानी चैप्टर भगाए जा रहे हो फिर वो लोग समझ नहीं आ रहा मज़ा नहीं आ रहा तो डिबेंचर अलॉटमेंट कितने का है सेवेंटी का डिस्काउंट कितने का है टेन का और परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा क्या आता है फेस वैल्यू जो कि क्लास कितना है एट्टी

बता देना क्लास कमेंट सेक्शन में एंट्री अच्छे से लर्न कर लोगे ना सारी के सारी एंट्री दो इंस्टॉलमेंट है मैक्सिमम दो ही रहता है इसमें डिवेंचर में चार चार इंस्टॉलमेंट नहीं रहता अगर रहेगा भी तो क्या करोगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर बैंक टू डिचर फर्स्ट कॉल कितने डिवेंचर है फर्स्ट कॉल कितने का है कर दो मल्टीप्लाई करके ठीक है तो ये होगा यहाँ पे टॉपिक हमने अच्छे से समझ लिया है क्लास जनल एंट्री हमारी पूरी की पूरी हो चुकी है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक मैं सिर्फ एक ही एंट्री मान लेते हैं क्लास कि किसी क्वेश्चन में कहता है कि एक ही है बस खाली एप्लीकेशन वो सौ रुपए का लेकिन कुछ टीचर क्लास इसी एप्लीकेशन को खाली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखते हैं तो मर्जी तुम्हारी है खाली एप्लीकेशन में पहले ही बता चुका हूँ शेयर्स में भी खाली एप्लीकेशन है मान लो सारा सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में आ रहा है जब सारा का सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में आता है तो क्या बोलते हैं लमसम लमसम का मतलब क्या होता है इकट्ठा सारा पैसा क्लास इकट्ठा एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में क्लास आप खाली उसको एप्लीकेशन नाम दे सकते हो एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी दे सकते हो तो इस सिचुएशन में मान लो आपकी दो एंट्री बनेंगी ध्यान समझना पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट तुमने पहले ही कर रखा ही है और अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव बींग डिबेंचर्स अलॉटेड नरेशन लिखो बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिया डिवेंचर होल्डर से और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी परसेंटेज दे दे रखा होगा बुक में टू परसेंटेड डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिन्चर्स अलॉटेड बीइंग डिचर्स इशूड ठीक है तो ये दो एंट्री आपको करनी है अगर एक ही इंस्टॉलमेंट है तो लेकिन अगर इस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है तो क्रेडिट कर दो अगर इस इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट कर दो तो ये मर्जी आपकी है कि आपको एकदम सिंपल रखना है चीज़ों को या कॉम्प्लिकेड रखना है सिंपल सी बात है दो ही एंट्री है इस चैप्टर में इशू की मेनली इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में या मुझे उधार लेना है मैं इंस्टॉलमेंट में थोड़ी लूंगा मैं तो इकट्ठा लूँगा तो जनरली क्वेश्चन में एक ही इंस्टॉलमेंट होगी वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन तो आप सिंपल से एंट्री करोगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देना डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट कर देना दैट्स इट और कुछ नहीं ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिवेंचर प्रीमियम है तो क्रेडिट डिस्काउंट है तो डेबिट अच्छा कुछ बच्चे बोलते सर हमारे टीचर ने तो एप्लीकेशन खाली नहीं लिखवाया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखवाया तो भाई दिक्कत क्या है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लगा दो यहाँ नाम ही तो चेंज करना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ठीक है सिंपल सी बात है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लगा दोगे तो ये दो एंट्री मुंह जबानी याद होनी चाहिए बेहतर है कि आप कॉपी में या कॉमेंट सेक्शन में से लिख लो ताकि ये एंट्री अगर याद है तो चैप्टर अच्छे से चलेगा चलते हैं क्लास कुछ क्वेश्चन पे एक एक करके क्लास क्वेश्चन बनाते हैं अच्छे समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन काजू लिमिटेड ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2022 ट्वेंटी टू इशू ट्वेंटी थाउजेंड इलेवन परसेंट डिवेंचर्स ऑफ हंड्रेड इच कितने डिवेंचर्स है ट्वेंटी थाउजेंड इलेवन परसेंट डिवेंचर्स है सौ का एक है इलेवन परसेंट का मतलब क्या हर साल डिबेंचर होल्डर को इलेवन परसेंट का उस अमाउंट पे जो उन्होंने उधार दिया है इंटरेस्ट मिलेगा ठीक है और ये चेंज होता रहता है कभी इलेवन परसेंट हो कभी टेन परसेंट हो तो कंपनी की मर्जी है कितना परसेंट पे उधार लेना चाहती है वो पेवल एस एप्लीकेशन थर्टी अनबैलेंस अलॉट तो बैलेंसमेंट कितना क्लास होगा थर्टी अगर सेवेंटी होगा टोटल कितना हो गया हंड्रेड एप्प्शन फॉर रिसीव फॉर द इश्यू डिचर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द द एप्लीकेंट अमाउंट ड्यूली रिसीव पास द एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर आपको एंट्री पास करनी है तो so, अब इस सिचुएशन में जो पहली एंट्री करोगे वो क्या करोगे ठीक है यहां पे कर लेते हैं एंट्री पहली एंट्री आप जो करोगे वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट ठीक है और अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू तो इलेवन परसेंट डिबेंच एंट्री इन द बुक्स ऑफ काजू लिमिटेड तो कितने डिबेंचर्स है थर्टी तो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टेन कितना बनेगा टू लाख टू लाख इंटू सिक्स लाख तो ये बनेगा सिक्स लाख सिक्स लाख आप पेपर में एल मत लिखना ठीक है आप जीरो जीरो लगाना तो ये हो गया क्लास आपका सिक्सटी लाख सिक्सटी लाख पहली एंट्री होगी अलॉटमेंट कितने की है क्लास सेवेंटी की तो एंट्री क्या करोगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इलेवन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट सिंपल ठीक है तो कितने डिबेंचर्स है क्लास ट्वेंटी थाउजेंड और अलॉटमेंट मनी कितने की है सेवेंटी की तो ट्वेंटी थाउजेंड सेवेंटी कितना बनेगा फोर्टीन <coughs> लैख ये हो गया क्लास इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री बेसिक पार में आपने डिबेंचर्स को इश्यू किया है उसकी जनरल एंट्री हो गई ठीक है तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन नंबर वन का आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन नाउ आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने आपको क्लास प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा के देख लिए बिकॉज मेरा मेन मोटिव फिलहाल क्या है कि आपको जर्नल एंट्री एकदम स्ट्रॉग होनी देरे देरे चाहिए तभी मैं धीरे धीरे आगे चले कॉन्सेप्ट ऐड करूँगा चाहे वो अदर दैन कैश हो चाहे वो रिडमशन की रिडमशन की कंडीशन पे इशू की एंट्री हो कलेट्रल सिक्योरिटी हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हो पाँच टॉपिक है और इससे एक मिक्स क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार की पाँच के पाँच टॉपिक का छः नंबर में तो चैप्टर बहुत अच्छा है बहुत मज़ेदार है अगर आप एंट्री अच्छे से लर्न कर लेते हो जो कि शेयर जैसी है बिल्कुल ये दो एंट्री ये चार एंट्री दो इंस्टॉलमेंट की हो गई ठीक है क्वेश्चन डन नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन किशमिश लिमिटेड काजू वाला हो गया अब आते हैं किशमिश लिमिटेड यहां भी सेम एक अप्रैल 2022 को कंपनी ने ट्वेंटी थाउजेंड डिवेंचर इशू किया हंड्रेड इज एट ट्वेंटी परसेंट प्रीमियम यहां पे डिवेंचर इशू है वन ट्वेंटी का हंड्रेड प्लस ट्वेंटी पेबल एप्लीकेशन पर कितना है क्लास चालीस रुपए फोर्टी ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट तो आप मुझे बताओ अलॉटमेंट कितने का होगा टोटल तो वन ट्वेंटी है क्योंकि ट्वेंटी प्रीमियम है तो बैलेंस एट्टी का होगा एट्टी कैसे आएगा सिक्सटी प्लस 20. और फॉर रिसीव रिसीव एंड एंड इशू अलॉटमेंट मेड टू ऑल द द द एप्लीकेंट अमाउंट ड्यूली पास जनरल एंट्री तो यार मेरी बात समझो आपको अब एंट्री पास करनी है प्रीमियम की तो प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा और डिस्काउंट होता तो इसको डेबिट कर देते हैं अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में रूल सब शेयर जैसा ही है तो अब आते हैं जरा समझते हैं इसकी एंट्री क्या होगी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट अच्छा इसी में चेंज कर देता हूँ ठीक है क्वेश्चन नंबर टू इसी में चेंज करते हैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंट्री सेम है लेकिन आप अपनी कॉपी में क्लास उसको अच्छे से लिख लेना ठीक है तो पहले एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिचर एप्लीकेशन कितने डिवेंचरस से ट्वेंटी थाउजेंड इं फोर्टी तो आएगा एट लाख एट लाख बैंक टू डिचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर और कितने परसेंट डिवेंचर्स है ये भी क्लास इलेवन परसेंट डिवेंचर्स है और अलॉटमेंट की एंट्री में आएगा क्लास प्रीमियम तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या है अलॉटमेंट की जो एंट्री करते हो ड्यू की वो क्या डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू अलवन परसेंट डिबेंचर्स टू साथ में क्या लगा दोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यानी कि प्रीमियम को क्रेडिट कर देना ड्यू के एंट्री में दस रुपए का प्रीमियम है सत्तर की फेस वैल्यू है और डिबेंचर अलॉटमेंट कितने का अस्सी का सॉरी साठ का फेस वैल्यू है बीस प्रीमियम है सॉरी सिक्सटी का फेस वैल्यू है ट्वेंटी प्रीमियम है यह अस्सी का और कितने डिबेंचर्स है क्लास ट्वेंटी थाउजेंड डिबेंचर्स है तो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू एटी कितना बने क्लास सिक्सटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड सिक्सटी ट्वेल्व लाख ट्वेंटी थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर अलॉटमेंट यही एक चेंज किया आपने आपने कि भी प्रीमियम प्रीमियम को कर दिया क्रेडिट और जितना था वो आपने लिख दिया तो कंपनी अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करेगी तो ये एंट्री कंपनी पास करेगी सेकंड नंबर क्वेश्चन में यही था बस ओके अब आते हैं क्लास एनअर क्वेश्चन पे इसको वीडियो पॉज करके लिख लो ठीक है स्क्रीन ले लो नाउ मूव टू क्लास क्वेश्चन नंबर थर्ड पिस्ता लिमिटेड काजू हो गया किसमिस हो गया पिस्ता भी हो गया चलो पिस्ता लिमिटेड ने क्लास एक अप्रैल दो को ट्वेंटी थाउजेंड एट परसेंट डिवेंचर इशू किया एट परसेंट डिवेंचर है हंड्रेड इजर टेन परसेंट डिस्काउंट तो डिबेंचर जो है वो क्लास टेन परसेंट डिस्काउंट यानी कि नाइन्टी का है प्लस ट्वेंटी एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी कितने की है क्लास ट्वेंटी रुपीज़ की एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट तो आप मुझे बताओ बच्चों टोटल है नाइन्टी का हंड्रेड माइनस टेन 20 हो गए क्लास एप्लीकेशन तो अलॉटमेंट कितने का क्लास होगा 70 का कि टोटल तो 90 तभी बनेगा ना अब 70 था तो 80 का 10 का डिस्काउंट है प्रीमियम प्लस होता है शेयर्स में डिस्काउंट नहीं था ऐसे थोड़ा इस पर जोर ज्यादा दे रहा हूँ मैं प्रीमियम प्लस होता है डिस्काउंट माइनस है टोटल 90 का है एप्लीकेशन 20 है तो ऑब्वियसली अलॉटमेंट 70 की होगी सेवेंटी आया कैसे प्लस करके तो आएगा नहीं माइनस करके आएगा दस का डिस्काउंट है तो इनकी फेस वैल्यू अस्सी रही होगी ट्वेंटी का टेन का डिस्काउंट दे दिया तो सेवेंटी बन गया अब फेस वैल्यू देखो ये फेस वैल्यू ट्वेंटी है ये फेस वैल्यू एट्टी तो फेस वैल्यू तो हंड्रेड है टेन का डिस्काउंट और री इशू सॉरी इशू प्राइस जो है वो कितने के क्लास नाइन्टी का अब इसकी एंट्री करते हैं डिवेंचर क्लास वही सेम ट्वेंटी है तो क्वेश्चन नंबर थ्री मैं एंट्री चेंज नहीं कर रहा एंट्री सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड डिवेंचरस है और एप्लीकेशन जो है वो ट्वेंटी रुपीज़ का है तो ये आएगा फोर लाख फोर लाख और यहाँ भी कितना क्लास आ जाएगा बैंक टू डिचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर ये भी आएगा क्लास आपका फोर लाख फोर लाख बैंक टू डिचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर ट्वेंटी थाउजेंड डिवेंचर से ट्वेंटी का ईच तो फोर लाख फोर लाख फोर लाख फोर लाख ये हो गया अब इसके बाद जो हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज है तो ध्यान से देखो मैं एंट्री कर रहा हूँ ठीक है एंट्री होगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रीमियम क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट क्या होगा डेबिट ठीक है तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू एट परसेंट इलेवन नहीं है क्लास डिबेंचर है एट परसेंट टू एट परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट बेटा जरा बताओ कितने डिबेंचर्स हैं सर ट्वेंटी थाउजेंड अलॉटमेंट कितने की है अगर आप देखो अलॉटमेंट है सेवेंटी का एट्टी माइनस टेन तो ये सेवेंटी का हो गया टेन का डिस्काउंट हो गया और ये हो गया क्लास एट्टी का ट्वेंटी 20,000 सेवेंटी फोर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टेन टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू एट्टी सिक्सटीन ठीक है तो प्रीमियम क्रेडिट था डिस्काउंट ,00, ,00, तो डेबिट हो गया अगले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा जो हमने एंट्री करी थी उसकी receive, account, लिख लेना बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव हर क्वेश्चन में कॉमन बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट बींग अलॉटमेंट ड्यू बीग अलॉटमेंट मनी रिसीव खत्म जो तुमने शेयर्स के लिए नरेशन की थी सेम वही आप

सेम टू सेम यहां भी वैसा ही है तीन ऑप्शन कंपनी के पास रहता है ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ लोगों को कंपनी क्या करती है क्लास रिजेक्ट कर देती है कुछ लोगों को क्लास कंपनी फुल अलॉट करती है मतलब जितने डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया है उतना अलॉट कर देती है और कुछ लोगों को क्लास मिक्स करती है फर्स्ट एंड सेकंड का इसको बोलते हैं प्रपोशनेट अलॉटमेंट या प्रोराटा अलॉटमेंट यानी कि सारे शेयर्स ना देती है ना सब कुछ रिजेक्ट करती है तो कंपनी के पास ये तीन ऑप्शन बचता है कुछ शेयर होल्डर्स को सॉरी डिबेंचर होल्डर्स को रिजेक्ट कर देना कुछ लोगों को कुछ शेयर्स दे देना और कुछ लोगों क्लास मिक्स पॉलिसी अपनाना इन तीनों ही केसेस के लिए क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन में बेहतर है हमारे पास कि हम प्रोराटा टेबल बना ले मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा क्योंकि जनरली प्रोराटा टेबल शेयर्स के अंदर काम आता है वहाँ तो आता ही आता है डिबेंचर्स में अगर आप नॉर्मली कैलकुलेट करके भी कर लेते हो तो भी बात बन जाएगी मतलब जो एक्सिस अमाउंट ऑफ अमाउंट आया है उसे क्लास आप रिफंड भी कर सकते हो ठीक है चलते हैं प्रोराटा टेबल समझ लेते हैं और फिर क्लास एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको करेंगे तो सबसे पहले यहां पे ये क्लास इस तरीके से बनता है प्रोराटा टेबल हालांकि ये शेयर्स के अंदर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लास आपको लिखवा देता हूँ प्रोराटा प्रोराटा टेबल यानी प्रपोशनट अलॉटमेंट जब करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में तो आप इस तरीके से टेबल बना के भी कर सकते हो सबसे पहला कॉलम बनता है डिवेंचर्स अप्लाइड छोटा टेबल जैसा यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो शेयर्स के अंदर था ये बहुत ही सिंपल है और इसे बिना बनाए भी कर सकते हैं कैलकुलेशन क्योंकि बड़े क्वेश्चन नहीं है छोटे छोटे क्वेश्चन है आज हम क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे से समझेंगे तो नोट करो डिबेंचर्स अप्लाइड डिबेंचर्स अलोटेड मनी रिसीव्ड मनी टू बी रिसीव्ड कितना पैसा मिलना चाहिए था कितने पैसे आपने रिफंड कर दिया है और कितने पैसे आपने अगली इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स ने अलॉटमेंट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया है तो ये है प्रोराटा टेबल जो आपने शेयर में बनाया था सेम वैसा ही डिबेंचर्स का प्रोराटा टेबल है आओ चलते हैं क्लास एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करके देखेंगे एक एक करके सारी की सारी चीजों को सबसे पहले एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास श्री लक्ष्मी लिमिटेड

क्लास ट्रांजेक्शन uh, तो आपको क्लास एंट्री पास करनी है एक ही इंस्टॉलमेंट है तो दो एंट्री पास करनी है इसमें क्लास प्रोराटा नहीं है इसमें रिफंड कर दिया है सीधा दस हज़ार डिबेंचर आपने इशू किया एप्लीकेशन आई बारह हज़ार की दो हज़ार को आपने रिजेक्ट कर दिया तो इसकी एंट्री क्या होगी ध्यान समझना सबसे पहली एंट्री एक इंस्टॉलमेंट है दो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट टू नाइन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है और जिनको रिटर्न किया है उसमें लिख दोगे आप टू बैंक अकाउंट क्योंकि आपने कुछ आ, कुछ डिबेंचर होल्डर्स का पैसा लौटा दिया अब इसका आपको देखो एंट्री बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले कराई थी इसमें बैंक आ गया बैंक इसलिए आ गया क्योंकि कुछ लोगों को आप पैसा वापस भी कर रहे हो तो शुरू में जब फॉर्म भरा होगा तो पूरा बारह हज़ार शेयर होल्डर ने 170 के हिसाब से कंपनी को पे कर दिया होगा जब स्टार्टिंग में फॉर्म भरा होगा तो 12,000 थाउजेंड डिबेंचर्स ने 170 के हिसाब से तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसकी तो 12,000 थाउजेंड इंटू वन सेवेंटी ट्वेल्व थाउजेंड ये बनता है क्लास 20 लाख ,00 40,000 20 लाख ,00 40,000 ,00 एक बार में हमारे पास आ गया अगर आप इस केस में प्रोडेबल नहीं बनाओगे ना तो भी ऐसे ही हो जाएगा टेबल की जरूरत ही नहीं है और तब टेबल बना के देख लेना शेयर में जैसा बनाया था आपने सेम सेम तब भी यही आएगा अब एक बार को तो आ आगे आपके पास ट्वेंटी लाख फोर्टी थाउजेंड बट आपके शेयर्स आपके डिबेंचर्स कितने टेन थाउजेंड इशू कितने किए टेन थाउजेंड प्रीमियम है सेवेंटी का और फेस वैल्यू है हंड्रेड का तो टेन थाउजेंड इंटू हंड्रेड ये बने क्लास कितना टेन लाख और टेन थाउजेंड इंटू सेवेंटी तो और दो हजार टू डिबेंचर्स को आपने क्या क्या किया। बैंक मतलब रिफंड आपने कर दिया तो हिसाब से, से थ्री लाख फोर्टी थाउजेंड अब देखो क्रेडिट आ गया ट्वेंटी लाख फोर्टी थाउजेंड डेबिट भी आ गया ट्वेंटी ट्वेंटी लाख फोर्टी था तो हमारा मैच हो गया तो आपको टेबल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो अगर सारा रिफंड हो रहा है देन ठीक है तो ये है क्लास आपका ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स के अंदर बहुत डीप था ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ऊपर ऊपर से है उसका दस परसेंट भी नहीं है समझ लो और बिना टेबल के भी क्लास सिंपली बात बन है इस तरीके से वहां पे था इतने ने इतने के लिए अप्लाई किया इतना अलॉट किया ये सब केस कुछ भी नहीं है यहाँ पे बहुत बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर छोटी छोटी चीजें हैं नाउ मूव टू क्लास अनदर क्वेश्चन सोना लिमिटेड सोना लिमिटेड ने इशू किया है एट थाउजेंड नाइन परसेंट डिवेंचर्स ऑफ हंड्रेड ध्यान समझना में फेस वैल्यू हंड्रेड डिस्काउंटेड एन थर्टी पेबल ऑन एप्लीकेशन जिसमें एप्लीकेशन कितने की है क्लास थर्टी रुपीज की आपसे कुछ नहीं कहता कि डिस्काउंट या प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट में है तो क्या मानते हो आप अलॉटमेंट पे तो ये नाइन्टी है ये है थर्टी तो ऑब्वियसली सिक्सटी होगा सिक्सटी आया कैसे होगा सेवेंटी माइनस टेन मुझे पता है कि भाई डिस्काउंट तो माइनस है अब किस में से मैं टेन घटाऊँ किस में से टेन माइनस करूँ ताकि मेरा 60 आ जाए तो ऑब्वियसली 70 माइनस टेन तो यहाँ तक समझ गया आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 10,000 थाउजेंड इशू किया था 8,000 थाउजेंड अपन आई टेन थाउजेंड की एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो डाटा बेसिस पास द नेसेज एल एंट्री प्रोडाटा बेसिस का मतलब समझते हो क्या होता है देखो प्रो डाटा बेसिस का मतलब क्या है अप्लाई किया था दस के लिए अलॉट हुआ है आठ आपने अप्लाई किया था टेन थाउजेंड डिबेंचर्स के लिए अलॉट हुआ है एट थाउजेंड डिबेंचर तो जो एक्स्ट्रा टू थाउजेंड डिबेंचर का पैसा है वो आप सीधा सीधा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे यहाँ रिफंड नहीं किया है रिफंड में हम बैंक में डाल देते हैं रिजेक्ट करता तो यहाँ पे अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर देंगे पिछले केस में सिर्फ एप्लीकेशन ही था अलॉटमेंट था ही नहीं पिछले केस में तो अब अब अलॉटमेंट में एडजस्ट कैसे करोगे जब अलॉटमेंट था ही नहीं तो वहां तो रिटर्न डालना ही डालना है लेकिन यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि जिसने अप्लाई किया था टेन थाउजेंड के लिए उनको आठ हजार डिबेंचर अलॉट कर दिए तो दो हजार डिबेंचर्स का जो पैसा है वो अगली इंस्टॉलमेंट में यानी कि यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा अब इसकी एंट्री बिना टेबल बनाए टेबल बनाए दोनों तरीके से मैं तुम्हें कराऊंगा ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके पहले एंट्री क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट शुरू में तो भाई दस हज़ार डिवेंचर ने पैसा दे दिया होगा थर्टी के हिसाब से तो कितना बनेगा क्लास थ्री लाख थ्री लाख बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन थ्री लाख थ्री लाख अगली एंट्री होगी <coughs> अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ठीक है टू पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट और टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट इस क्वेश्चन में प्रीमियम डिस्काउंट तो कुछ है नहीं एप्लीकेशन एप्लीकेशन में में की है तो तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वो अलॉटमेंट चला जाएगा तो आ कितना गया जी आपके पास तीन लाख रुपए आ गए पर आपकी जो डिबेंचर्स है आपने जो डिबेंचर इश्यू किया वो कितने एट थाउजेंड तो परसेंटेज डिबेंचर के अंदर आएगा एट थाउजेंड इन टू एट थाउजेंडिचर आपने इशू किया है परसेंटेज डिबेंचर के अंदर आएगा फीस वैल्यू कितनी है क्लास थर्टी तो कितना बनेगा टू लैख फोर्टी थाउजेंड और जो सिक्सटी थाउजेंड है वो आपने रिटर्न कर दिया सिक्सटी थाउजेंड आया कैसे बहुत सिंपल है आपने इशू किया एट एप्लीकेशन आई टेन की तो दो हज़ार डिबेंचर्स को आप रिटर्न करोगे ना दो हज़ार डिबेंचर्स को आप रिफंड करोगे और तीस के हिसाब से उन्होंने कितना एप्लीकेशन तीस की है उन्होंने थर्टी के हिसाब से सिक्सटी थाउजेंड दे दिया होगा अगर आप ऐसे नहीं करते ना एप्लीकेशन थर्टी का है एप्लीकेशन थर्टी का, है? 30 का है? अगर आप टेबल बनाओगे ना जरूरत नहीं है डिबेंचर्स में सिंपली कैलकुलेशन हो जाती है बिकॉज इतना ही बड़ा क्वेश्चन आता ज़्यादा कुछ है भी नहीं आगे चल के टेन थाउजेंड इंटू थर्टी थ्री लाख एट थाउजेंड इंटू थर्टी टू पॉइंट फोर लाख सिक्सटी थाउजेंड डिबेंचर लालाटमेंट एडजस्ट हो गया अभी भी तो वही क्या है थ्री लाख टू पॉइंट फोर और सिक्सटी चेक करो थ्री लाख टू पॉइंट फोर सिक्सटी पहले भी यही करते थे अभी भी यही टेबल की जरूरत तो ही नहीं है ऐसे ही हो जाएगा इसके अंदर तो इसीलिए ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर ठीक है इसके अंदर ओवर है अगर ओवर आ गया तो आपको बाकी को वापस करना है या अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है और आपका अंडर तो होगा ही नहीं कुछ पार में तो कुछ मतलब ही नहीं अगर फुल सब्सक्राइब है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो बैंक टू एप्लीकेशन आ गया आपके पास थ्री लाख रुपीज पर टू फोर्टी आपका क्लास एक्चुअल बनता है बाकी जो सिक्सटी थाउजेंड है वो आप अगले इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हो अब डिबेंचर अलॉटमेंट की आप एंट्री पास करोगे तो एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और यहां देखोगे डिस्काउंट भी है तो आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू इन परसेंट डिबेंचर अकाउंट और जब पैसा आएगा तब एंट्री क्या करोगे अलॉटमेंट ड्यू बीज अलॉटमेंट मनी रिसीव टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिचर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू डिचर्स अलॉटमेंट अकाउंट तो कितने डिबेंचर्स हैं सर डिचर्स तो एट है भले दस की एप्लीकेशन आ गई थी 10000 की एप्लीकेशन आई थी 2000 के आपने क्या कर दिया अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया तो डिबेंचर तो आपने 8000 थाउजेंड इशू किया है तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट वो कितने का सिक्सटी का डिस्काउंट <coughs> कितने का टेन का और परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है जो कितनी है सेवेंटी तो ये आएगा फोर लाख एटी थाउजेंड ये आएगा एटी थाउजेंड यह फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड तो जो फोर लाख एट्टी थाउजेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा मतलब एट थाउजेंड डिबेंचर सिक्सटी का एक फोर लाख एटी थाउजेंड आपके पास बैंक में आ जाएगा बैलेंस तो यही चार एंट्री बेसिकली करनी है आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में भी पार में भी बस ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है फालतू तो पैसा आ गया तो या तो वो अगले इंस्टॉलमेंट में देखो यहां एडजस्ट होगा या तो वो रिफंड होगा बस इतना ही अंतर है एक दूसरे नंबर की जो एंट्री एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री उसमें बाकी सब कुछ सेम है प्रीमियम पहले भी क्रेडिट होता था डिस्काउंट अभी भी डेबिट होता है पहले भी डेबिट होता था सब कुछ सेम है बस यहाँ वहाँ पे डिस्काउंट में शेयर इशू कभी नहीं होता लेकिन यहाँ डिस्काउंट में इशू हो सकता है क्योंकि क्यों वो तो फायदे की चीज है कंपनी अपनी सौ की चीज आपको नब्बे में दे रही है तो अच्छी बात है लौटाते वक्त आपको सौ लौटाएगी तो ये तो अच्छी चीज है ठीक है कहीं भी तुम्हें डाउट लगे कोई भी दिक्कत लगे ना क्लास प्लीज मुझे बताओ क्लास ताकि मैं उसको इंप्रूव कर सकूँ और आपको आगे कोई दिक्कत ना आए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन

एट आफ्टर फाइव ईयर्स पाँच साल के बाद आपको लौटाएंगे ठीक है फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन इस बात से समय कोई मतलब नहीं है क्लास की वो पाँच साल बाद लौटाएंगे दस साल बाद लौटाएंगे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पाँच साल बाद लौटाएं दस साल बाद लौटाएं इसमें लिखा है फुल अमाउंट पेबल एप्लीकेशन सारा का सारा एक ही इंस्टॉलमेंट में है क्या है क्लास आपका एप्लीकेशन आपको एंट्री पास करनी है और टाइम ऑफ टेन परसेंट आपको इशू की एंट्री करनी तो यहाँ पे देखो कहीं भी कहीं भी क्लास यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स हैं सिंगल है और कहीं भी क्लास इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन का जिक्र ही नहीं है तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है एक ही क्लास आपका इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन की दो एंट्री आपको करनी है पहली एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट कितने डिबेंचर्स हैं क्लास फाइव थाउजेंड डिबेंचर्स है फाइव फिफ्टी का एक है तो फाइव फिफ्टी इन टू फाइव थाउजेंड इट्स ट्वेंटी सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड ट्वेंटी सेवन लैक फिफ्टी थाउजेंड फिर जब पैसा आएगा क्लास सॉरी फिर आप अगली एंट्री करोगे बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू अब यहाँ प्रीमियम भी है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तो कितना प्रीमियम है पचास रुपए का फेस वैल्यू कितनी है परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आते हैं 500 हंड्रेड यह है फाइव का कितने डिवेंचर्स हैं क्लास यहाँ पे कंपनी ने इश्यू किए फाइव थाउजेंड डिबेंचर तो फाइव थाउजेंड इंटू ये तो सेम ही आएगा जो ऊपर था ट्वेंटी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ गया ट्वेंटी फाइव लाख फाइव थाउजेंड इंटू फिफ्टी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड तो देखो ये सिर्फ इतनी है कि आप जितने शेयर्स इशू कर रहे हो डिबेंचर्स उससे एक्स्ट्रा जितने भी आते हैं वो काउंट कर लो कितना एक्स्ट्रा आया है और उनसे जितना भी पैसा आया है बस दो बातें होंगी अगर खाली एप्लीकेशन है या क्वेश्चन कह रहा रिटर्न कर दिया तो, तो टू बैंक करके रिटर्न कर देना और अगर अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिए तो टू अलॉटमेंट करके एडजस्ट कर देना बस इतना ही है इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इस इस टॉपिक में 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 दैट्स इट बाकी क्वेश्चन रिडीम 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 जो redeem की बात कर रहा है कि किया साल में, साल करे पेमेंट दस साल में लौटाए कंपनी पैसा उससे हमें कोई मतलब नहीं है और पार पे रिडीम किया मतलब था कितने का पांच सौ का तो रिडीम भी पांच सौ में कर दिया तो हमें उस चीज से भी कोई लेना देना नहीं है अगर ये डिवेंचर प्रीमियम पर रिडीम होता लौटाते वक्त एक्स्ट्रा पैसे लौटाते रिडीम कभी डिस्काउंट पे नहीं होता मैं रमशन की बात करूंगा आगे चल के तब मैं डिटेल में बात करूंगा बट अभी फिलहाल रिडीम कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता लौटाते वक्त हमें तो बराबर लौटाएंगे ज्यादा लौटाएंगे भाई कम कौन लौटाएगा कम नहीं होता कभी भी इंडिया में अलाउ नहीं है कि आप कम पैसा लौटाओ तो यहाँ बराबर लौटाना अच्छी बात है कम लौटा नहीं सकते ज़्यादा लौटा सकते हैं तो अगर ज़्यादा लौटाते ना तो एंट्री में थोड़ा सा बदलाव आता जो मैं क्लास आगे चल के आपको बताऊँगा एंट्री में क्या चेंज आएगा फिलहाल के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक खत्म हो गया और इस तरीके से आपने क्वेश्चन बनाना है जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आता है इशू किया है एट थाउजेंड एप्लीकेशन आई है टेन थाउजेंड की तो दो हज़ार डिबेंचर का जो फालतू अमाउंट आया है एप्लीकेशन तीस का है वही आया होगा सिक्सटी थाउजेंड तो क्लास इसे अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे या फिर जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में आपने रिटर्न किया था आप रिटर्न कर दोगे यहाँ भी देखो 2000 हज़ार डिफेंचर्स फालतू तो आ गए उनसे जो पैसा आपने फॉरफिट किया था 170 सेवेंटी वो आपने सॉरी जो लिया था आपने एप्लीकेशन का वो आपने वापस कर दिया क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ही नहीं आ गए एडजस्ट कहाँ से करेंगे इतना ही है टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर आप टेबल बना के करना चाहते हो तो टेबल वैसा ही है जैसे पहले बनाते थे इवन उससे छोटा सिर्फ एक लाइन का राइट right? तो ये ये हमने पार प्रीमियम डिस्काउंट सारी एंट्री भी खत्म कर ली साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन भी हमारा पे डन हो ऑफ ऑफ अदर अदर देन देन कैश कैश सेम टॉपिक शेयर्स का है तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी लूंगा जहा पे शेयर डिवेंचर होगा मतलब एक मिक्सअप क्वेश्चन क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ चुका है अगर मैं इस टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करूं तो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो जाता है किसी वेंडर के पास वेंडर कौन होता है दुकानदार वेंडर वो पर्सन है या वो कंपनी है या वो फॉर्म है जिससे हम लोग एसेट्स को खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेंडर वेंडर कौन होता है जिससे हम लोग एसेट्स को खरीदते हैं तो कंपनी गई वेंडर के पास बोला हमें आपसे एक मशीन चाहिए वेंडर ने बोला ठीक है जी मशीन कितने की है तो फिर आ, मतलब कि 20 लाख वेंडर ने बोला अभी 20 लाख का है तो एक्स लिमिटेड कहती है कि हम एक काम करेंगे हम आपको कैश दे देते हैं दो लाख और बाकी जो 18 लाख बचेगा उस 18 लाख रुपए के अपनी कंपनी के 9% परसेंट डिबेंचर्स आपको इशू कर देते हैं जो है सौ रुपए का और हम आपको ये इशू करेंगे एट पार मतलब हम आपको दो लाख रुपए तो नगद दे देंगे जी बाकी जो बैलेंस बचेगा एटीन लाख रुपयेज़ का वो पैसे ना देके हम आपको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देंगे जिस पे आपको हर साल नौ परसेंट का ब्याज मिलेगा और ये सौ का एक है ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लो कि मैं अपने आ, किसी रिश्तेदार के पास गया मैंने उन्हें उधार दिए थे एक लाख रुपये मैंने लाभ मुझे एक लाख रुपये दे दो तो वो कहते हैं एक लाख रुपये मतलब हम हमारी एल की एक पॉलिसी ले लो तो मतलब क्या हमें पैसे की कुछ और दिया जा रहा है सेम यही हम वेंडर को पैसे की जगह पे क्या दे रहे हैं डिबेंचर्स दे रहे हैं तो हम डिबेंचर्स वेंडर को इशू करेंगे वहां बोलेगा तभी कॉन्सेप्ट ये सौ होगा तो एक्स लिमिटेड ने वेंडर को डिबेंचर इशू किए हां बदले में क्या मिला अदर देन कैश बदले में क्या मिला मशीनरी अदर देन कैश हमें मिला ठीक है अब बच्चे एक मुझे बात बताओ अगर अट्ठारह लाख रुपए के बदले मतलब फोर मार्क्स इस वीडियो से आपके आराम से कवर हो जाएंगे ठीक है अट्ठारह लाख रुपए के बदले आपको डिबेंचर इशू कर रहे हैं जो सौ का एक है तो आपको हंड्रेड का एक है इसी टॉपिक को हम लोग कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर दैन कैश कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है लेकिन बदले में जो मिल रहा है हमें वो अदर देन कैश मिल रहा है कैश के अलावा कुछ मिल रहा है राइट right? अब इसी तरीके से एक्स लिमिट चाहे तो मशीन की जगह फर्नीचर खरीद सकती है बिल्डिंग खरीद सकती है या फिर बहुत सारे एसेट्स भी खरीद सकती है या फिर इनका पूरा बिजनेस भी खरीद सकती है लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी स्टॉक डीटर कैश सब कुछ इनका खरीद सकती है तो क्लास जब आप एक एसेट की एंट्री खरीदने की करोगे तो आप चार एसेट की भी सेम टू सेम वही एंट्री करोगे राइट तो आओ एक, -एक करे क्लास इस टॉपिक की जितनी भी एंट्रीज है वो समझते हैं फिर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो बनाने की कोशिश करते हैं सबसे पहली एंट्री सबसे पहली एंट्री Purchase of an asset. जब आप कोई भी खरीदते हो तो एंट्री क्या करोगे एसेट्स अकाउंट से तो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट वेंडर वो पर्सन है जिससे आपने एसेट्स खरीदा है अच्छा अगर आप एक एसेट खरीदते हो तो एसेट टू वेंडर दो एसेट खरीदोगे तो एसेट वन डेबिट एसेट टू डेबिट टू वेंडर राइट दूसरा पार्ट पेमेंट इन कैश जो थोड़ा बहुत पैसा है वो आप इसे कैश में देते हो या फिर चेक से देते हो या फिर उसका बिल्स बना देते हो ठीक है थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कई जगह प्रोमिजरी नोट भी लिखा रहता है ठीक है प्रोमिजरी नोट अगर आप इसके थ्रू देते हो तो एंटर क्या होगी अगर आप एसेट खरीदते हो तो एसेट टू वेंडर वेंडर को पेमेंट करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट कैश दोगे तो टू कैश चेक से दोगे तो टू बैंक और टू बिल्स पेबल क्योंकि हमें ये बिल पे करना है तीसरा रेस्ट अमाउंट इन डिबेंचर्स जो भी बचा कुचा अमाउंट है वो आप डिबेंचर्स में इशू करोगे अगर आप शेयर का चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने तो सेम यही एंट्रीज थी बस उसमें शेयर कैपिटल लिखते थे और डिबेंचर चैप्टर में शेयर कैपिटल की जगह पे क्या वर्ड यूज करते हैं परसेंटेज डिबेंचर तो असट खरीदा आपने पार्ट पेमेंट कर दिया बचा कुछ अमाउंट आप डिवेंचर में इश्यू करोगे तो एंट्री करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है ठीक है टू नाइन परसेंट या इलेवन परसेंट जितने भी परसेंट होता है जरूरी नहीं नाइन ही हो टू डिचर अकाउंट मेरी बात समझ आ गई तो अगर आप इसे शेयर देते तो एंट्री क्या करते हैं वेंडर टू शेयर कैपिटल आप डिवेंचर दे रहे हो तो एंट्री क्या करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर बस इतना ही फर्क है इतना ही डिफरेंस है एंड नथिंग चेंज अब इसके बाद अगर ये ही डिबेंचर आपने डिस्काउंट में इशू किया हुआ है तो आपको पता है इसी एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे और यही डिबेंचर अगर आपने प्रीमियम पर इशू किया है तो आप नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दोगे लेकिन दोनों ही केसेस में चाहे आप डिस्काउंट पर इशू करो चाहे आप प्रीमियम पर इशू करो दोनों ही केसेस के अंदर दोनों ही केसेस के अंदर हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वो है नंबर ऑफ डिबेंचर्स कि भैया आप अगर 18 लाख रुपए के बदले 100 का डिबेंचर दे रहे हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे कितने डिबेंचर्स आप उसको इशू करोगे या फिर डिबेंचर आपका 110 का है या 90 का है कितने का है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला शेयर्स में भी सेम आपने पढ़ा होगा अमाउंट पेबल जो रुपए आपको देने हैं Upon issuing price. I hope ये आपको अब तक याद हो गई होंगी, जैसा तो सें। तो ये है है? पूरा पूरा का ठीक पूरा तो खरीदने की, दूसरी एंट्री पार्ट पेमेंट अगर आपने की की तो एंट्री होगी नहीं की तो एंट्री नहीं होगी तीसरी एंट्री जो रेस्ट अमाउंट है वो आप डिबेंचर्स में इशू करते हो अब कई बार क्या होता है कि हम एक एसेट ना खरीद के पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं बिजनेस परचेज आपने वेंडर का पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया कंप्लीट बिजनेस टेक कर लिया तो अब भी एसेट है लाइबिलिटीज हैं बिजनेस के अंदर सबको क्रेडिट करोगे ऑब्वियसली यार अगर आप एसेट्स को डेबिट करते हो तो जाहिर सी बात है आप लाइबिलिटीज को क्रेडिट करोगे ठीक है टू वेंडर अकाउंट टू वेंडर अकाउंट ठीक है और वेंडर में क्या आता है पीसी पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन तो हम लोग पूरी बात कर लेंगे भैया जी आपकी सारी के सारी एसेट हमारी हो गई आपकी सारी की सारी लाइबिलिटी भी हमारी हो गई अब बताओ जी आपको कितना पैसा चाहिए सारी एसेट्स भी आपकी हमारी सारी लाइबिलिटीज़ भी आपकी हमारी तो अब बताओ आपको कितने रुपए चाहिए इसके बदले ठीक है तो असट अकाउंट डेबिट टू लाइब्रेट टू वेंडर अकाउंट हम एंट्री कर देंगे असट कितने की ली है जो अग्रीड वैल्यू है कि भाई कितने में हम लेंगे लाइब्रेटी कितने की लेंगे और वेंडर में तो गिवन होगा पीसी वो हम लिख लेंगे इतना एंट्री करने के बाद भी अगर ऊपर कुछ बैलेंस बच जाता है बराबर नहीं होती है एंट्री और बैलेंस बच जाता है तो ये बैलेंस हम गुडविल के नाम से लिखेंगे किसके नाम से गुडविल के नाम से मतलब कि हम आपकी गुडविल खरीद रहे हैं मतलब दस लाख का नेट सेट है पर आप बारह लाख रुपये मांग रहे हो नेट अट मतलब असेट माइनस लैब्रिटी दस लाख का है पर आप बारह लाख मांग रहे हो तो जो बैलेंस अमाउंट है वो गुडविल का है और अगर आप नौ लाख मांग रहे हो कम पड़ रहा है आप कम ले रहे हो हमसे पैसे तो जो बैलेंस है वो किस नाम से आ जाएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से तो अगर ऊपर बैलेंस बचेगा तो गुडविल और नीचे बैलेंस बचता है तो कैपिटल रिजर्व तो ये है क्लास या तो आप एक असेट खरीदोगे तो ये एंट्री पूरा बिजनेस खरीदोगे तो ये एंट्री दूसरी एंट्री सेम होगी तीसरी एंट्री बिल्कुल सेम होगी एक असर खरीदइए पूरा बिजनेस खरीदइए फिर दूसरी एंट्री तो पार्ट पेमेंट की है ये फिर तीसरी एंट्री रेस्ट अमाउंट इन डिपेंचस तो ये है क्लास पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक आई होप आप समझ गए हो अब मैं आपको छोटा सा वन मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कई बार तो वहाँ पे फंस जाते हो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ नेट असेट अगर ज़्यादा है किससे से परचेज कंसीडरेशन से अगर नेट असेट ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन से तो बैलेंस क्या आएगा आप एंट्री क्या करते हो असेट टू लाइबिलिटी टू वेंडर अगर मैं असट माइनस लाइब्रेटी घटा दू तो आप एंट्री क्या करते हो कुल मिला के नेट असट टू वेंडर यही एंट्री होती है ना देखो ना अट टू टू वेंडर अगर लाइब्रेट ऊपर भेज दे तो माइनस में हो जाएगा असट माइनस लाइब्रिटी नेट लाइबिलिटी टू वेंडर तो अब मैंने अगर आपसे बोला कि भाई आपकी असैट है दस लाख की लाइब्रेटी दो लाख की तो नेट असैट कितने की होगी आठ लाख पर आप मांग रहे हो क्लास सात लाख तो जो नीचे अगर नेट ज़्यादा है और कम है नेट असेट है नेट नौ लाख तो जो भी बैलेंस बचेगा वो किस में चला जाएगा कैपिटल रिजर्व अब नीचे बैलेंस बच जाएगा देखो ना अगर मैं आपको यहाँ भी लिख के असेट है दस लाख की लाइब्रेटी दो लाख की तो दस ऊपर नीचे दो तो बैलेंस करने के लिए सॉरी लाइब्रेटी दो लाख की है

पर तुम जो परचेज़ कंसिडरेशन मांग रहे हो कि भाई हमें बारह लाख चाहिए फालतू किस लिए मांग रहे हो असर तुम्हारी दस लाख की है तो so, आप बोलते भाई मैं अपने गुडविल के मांग रहा हूँ अपने नाम के मांग रहा हूँ अपने रेपुटेशन के मांग रहा हूँ मेरी असर दस लाख की है लेकिन जो नाम मैंने कमाया है वो नाम दो लाख का है तो so, टोटल कितना क्लास बन गया आपका बारह लाख रुपए आई बात समझ तो ये है आपका पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश अब चलते हैं क्लास इसके कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं एक एक करके जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे से बना लेते हैं नरेशन बहुत सिंपल है आप एसेट खरीदते हो एसेट पार्ट पेमेंट मेड और बींग इतने डिबेंचर्स एट द रेट इतना इशू टू जो भी वेंडर है जिसको आपने डिबेंचर इशू किया उसका नाम आप लिख दोगे मतलब जिससे आपने असट खरीदी है वेंडर मतलब जिससे आप असट को खरीद रहे हो आओ क्वेश्चन नंबर सेवन

फिर आप वेंडर को अगर कोई पार्ट पेमेंट करते हो तो आप एंट्री क्या पास करोगे वेंडर को अगर आप पार्ट पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट वेंडर अकाउंट डेबिट पाँच लाख कोई पार्ट पेमेंट तो आपने करी नहीं सब आपने डिबेंचर इशू कर दिए टू इलेवन परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट ठीक है लेकिन आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स ये जरूरी है ये जरूरी है मतलब ये आपको निकालना ही पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स तुमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा इट इज मैंडेटरी तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे भैया आपको देने कितने हैं पाँच लाख रुपए और डिबेंचर है सौ का एक और पच्चीस परसेंट प्रीमियम मतलब वन ट्वेंटी फाइव तो प्लस यहाँ पे आएगा फोर थाउजेंड डिवेंचर्स मतलब आप उसे चार हजार वेंडर को आप चार हजार डिबेंचर्स इशू करोगे जो कि है कितने का सौ का एक है और प्रीमियम है पच्चीस का तो चार हज़ार इंटू सौ बनेगा चार लाख और चार हजार इंटू पच्चीस बनेगा एक लाख तो ये डेबिट और क्रेडिट अपना ये मैच हो गया आई होप क्लास आप इन एंट्रीज़ को समझ गए अच्छे से कैसे करना है जनरली अदर दैन कैश में तीन एंट्रीज होती हैं लेकिन क्योंकि इसमें कोई पार्ट पेमेंट करी नहीं है तो इसके एंट्री एंट्री दो ही होगी। इतने इतना आप पास कर दोगे। तो okay? आपको अच्छे से क्वेश्चन पूरा समझ आगे होगा और आपने इसके नरेशन क्लास लिख लेना और फॉर्मेट तो आपका बना हुआ आएगा तो नरेशन आप जो है लिख लेना बस नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड ने की मशीन सिक्सटी फोर लाख की सोलह लाख ,00 चेक से दे दिया और जो बाकी अमाउंट बचा है कंपनी ने एट परसेंट डिबेंचर इश्यू कर दिया हंड्रेड के चाहे डिस्काउंट और ट्वेंटी परसेंट यार एक बात बताओ आपने एसेट्स खरीदी मशीन खरीदी तो आप एंट्री क्या पास करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड और ये जर्नल आप किसकी किताब में पास कर रहे हो जर्नल इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ठीक है और कितने ही खरीदी 64 लाख ,00 की बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड 64 लाख ,00 अब आपने वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक चेक से दे दिया कितना पेमेंट कर दिया 16 लाख ,00 बैलेंस कितना बचा भैया 64 में से 16 जाएगा तो 48 लाख ,00 का बैलेंस बचा अभी जो भी 48 लाख का बैलेंस है इसके बदले आप 8% डिबेंचर्स ये परसेंटेज कुछ नहीं है ये तो कूपन रेट है इंटरेस्ट रेट है इसका कुछ नहीं करना आप डिबेंचर इशू करोगे 100 का एक है 20% डिस्काउंट डिबेंचर्स है 100 का एक डिस्काउंट माइनस होता है तो डिबेंचर्स आपका ₹80 का है तुझसे तो पता पड़ जाएगा 1 2 3 4 60000 डिबेंचर्स आप इश्यू करोगे ठीक है तो ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है कि आप उसको 48 लाख ,00 रुपीस दोगे 16 लाख ,00 तो आप तुरंत दे चुके हो बाकी जो 48 लाख ,00 है इस 48 लाख ,00 डिबेंचर्स को 48 लाख ,00 रुपीस जो अमाउंट बनता है उसका आप कितने डिबेंचर्स दोगे तो 48 लाख ,00 जो है अमाउंट उसको डिवाइड दोगे आप 80 से तो 80 से इसलिए कि एक डिबेंचर का भाव जो लग रहा है जो अग्री हुआ है वो एट्टी रुपीज में हुआ है डिस्काउंट के बाद सिक्सटी थाउजेंड डिबेंचर्स आपको देने पड़ेंगे एंट्री करोगे वाई लिमिटेड डेबिट फोर्टी एट लैक टू एट परसेंट अकाउंट अब अगर प्रीमियम होता तो क्रेडिट कर देते डिस्काउंट होगा तो डेबिट कर देंगे। तो यहां डिस्काउंट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट

इस तरीके से आपको एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन बनाने हैं असेट खरीदने की एंट्री पार्ट पेमेंट अगर कोई है तो उसकी एंट्री जो भी रेस्ट अमाउंट बचेगा उसको क्लास शेयर या डिवेंचर्स जिसमें भी इशू कर रहे हो आप उसकी एंट्री कर देना नंबर ऑफ डिवेंचर्स या शेयर्स निकालना जो भी पैसा तुम्हें देना है यार ये तो कॉमन सेंस लगाओ ना अड़तालीस लाख रुपए देने हैं एक डिबेंचर एट्टी का है तो डिवाइड करोगे एट्टी तभी तो चल रहा कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप उसको देने वाले हो जब तक आप डिवाइड करोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा डिवाइड देखिए पता चल गया आपको सिक्सटी थाउजेंड डिवेंचर्स इशू करने हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है अजय एंटरप्राइज एग्जामिनेशन का ही question है, एक अप्रैल दो हजार बीस को द डिटेल्स ऑफ अग्रीमेंट इसमें बिल्डिंग खरीदी है थर्टी फाइव लाख की बुक वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है बुक वैल्यू से क्या मतलब है भैया आप बिजनेस खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो जो अग्री होगा हमारे बीच ये पेन मैंने ये पेन मेरी बैलेंस शीट में कितने का है क्या मतलब है भाई मैं आपको अगर पाँच रुपये का बेच रहा हूँ तो भी पाँच रुपये आपका जो है वो अग्रीड वैल्यू हो जाएगा है कि नहीं अच्छा ये हो गया क्लास सारी आपने असेट्स खरीदी है और फिर कुछ ऐसे सेटलमेंट भी किए तो पहले एक काम करो असेट खरीदने की आप एंट्री पास करो क्या क्या है बिल्डिंग प्लांट स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल क्रेटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट प्लांट अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट बिल्डिंग प्लांट स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिटर्स ट्रेड रिसीवेबल टू क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स क्योंकि लाइबिलिटी है तो क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट तो थर्टी फाइव एट फोर फोर थर्टी फाइव लैख एट लैख फोर लैख फोर लैख थर्टी फाइव लैख एट लाख फोर लाख फोर लाख थ्री और वन क्रेडिटर्स हो गया थ्री ये हो गया वन ठीक है तो आपने सारा बिजनेस खरीद लिया ठीक है

25 प्रीमियम तो 20 का 25 परसेंट कितना होगा 20 का 25 परसेंट पांच रुपये तो पच्चीस रुपये का एक डिवेंचर हो गया तो डिवेंचर देंगे हम लोग दो लाख डिवेंचर पच्चीस का एक पचास लाख तो मेरा पीसी निकल गया फिफ्टी सेवन लाख कंसीडरेशन जो है वो क्लास आपका फिफ्टी सेवन लाख हो गया तो टू वेंडर अब वेंडर कौन है क्लास किससे खरीदा है मुझे बताओ अजय एंटरप्राइज बिजनेस जो है वो अजय एंटरप्राइजेस का है अजय एंटरप्राइजेस ठीक है तो ये आ गया 57 लाख 57 लाख तो अब ऊपर नीचे मैच करो देखो अगर ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल नीचे कम पड़ता है तो कैपिटलाइज अब? अब इस क्वेश्चन में एक काम बढ़ा दिया इन्होंने कि पीसी नहीं दिया बदले में दिया गया हम ऐसे ऐसे सेटल कर रहे हैं आप उनको जोड़ दो है कि नहीं आप मान लो कि मैं बोलूँ आपसे कि मैं ये पेन खरीद के लाया एक सौ का नोट दिया एक दो का नोट दिया तो पेन कितने का पड़ा तीन सौ का आप हिसाब लगा लोगे वही यहाँ पे कह रहा है चेक दिया सात लाख का डिवेंचर दिया पचास लाख के तो ऑब्वियसली फिफ्टी लाख का पीसी है लेकिन इससे एक काम आसान भी हो गया हमारे लिए क्या नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने की जरूरत नहीं है दो लाख डिवेंचर हमको पता है क्वेश्चन में गिवन था वो काम हमारे लिए आसान हो गया तो एक बार मैच करके देखते हैं 35 फाइव ये हो गया फिफ्टी तो नीचे ज्यादा है क्लास ऑब्वियसली सिक्सटी वन टेन लैक का बैलेंस बच रहा है ऊपर जो भी बैलेंस बचता है उसे हम किस नाम से लिखते हैं एक लाइन छोड़ के ही लिखा करो इसको ताकि बैलेंस बचे तो गुडविल लिख सको ठीक है गुडविल में अब अब ये जो डिबेंचर और चेक दे रहे हैं आप चाहो तो दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो ये आपकी मर्जी है फुल्ली आप पे डिपेंड है अच्छा क्या रहेगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है ठीक है आप एक साथ करने में कंफर्टेबल हो एक साथ कर दो नहीं तो अलग अलग तो मैं एक साथ ही कर दूंगा अजय एंटरप्राइजेस जी अजय एंटरप्राइजेस को देने कितने हैं फिफ्टी सेवन लैख टू बैंक चेक से दे दिया क्लास सात लाख अब फिर नीचे टू कौन सा डिवेंचर है नाइन परसेंट डिवेंचर और परसेंट डिवेंचर में हमेशा आता है फेस वैल्यू दो लाख डिवेंचर है फेस वैल्यू बीस है ठीक है तो दो लाख इंटू बीस चालीस लाख और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो पांच रुपए का है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इशू टू एट प्रीमियम जितना आप नॉर्मल लिख दोगे नरेशन उतने में भी नंबर मिल जाता है आपको ऐसा नरेशन में नंबर मतलब स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होती नरेशन में लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएगा नहीं लिखा तो अगर ये तीन नंबर का क्वेश्चन है तो ढाई मिलेगा 2.5 अगर फोर मार्क्स का है तो 3.5 मिलेगा तो ये हो गया क्लास असेंट खरीदने की एंट्री बिजनेस खरीदने की एंट्री और ये एक साथ अगर आप अलग अलग करते तो एंटरप्राइज टू तो बैंक फिफ्टी 7 7 लाख की एंट्री करते एंटरप्राइज डेबिट लाख एंट्रीजेंचर फोर्टी लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम टेन लाख इस तरीके से ओके तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया अच्छा क्वेश्चन था मूव टू अनदर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है क्लास वो भी बहुत अच्छा है कोई डाउट तो क्लास पूछ रहे कॉमेंट सेक्शन में ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है एक्स लिमिटेड ने परचेस किया बिल्डिंग वाई लिमिटेड से और कंसिडरेशन जो दिया अब इस क्वेश्चन में बिल्डिंग एक्स ने वाई से खरीदा लेकिन बिल्डिंग कितने का खरीदा यह क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से बिल्डिंग खरीदा है लेकिन कितने में ये गिवन नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चन में पीसी नहीं गिवन था उसी तरीके से लेकिन ये कहते हैं कि इक्विटी शेयर इशू किया एक लाख फेस वैल्यू है और दस रुपए का एक है और दस परसेंट प्रीमियम तो जी तो ग्यारह लाख हो गया सॉरी एक लाख दस हज़ार हो गया एक लाख रुपए का फेस वैल्यू है और दस परसेंट प्रीमियम है या तो आप एक लाख का दस परसेंट एड कर दो एक लाख दस हजार रुपये टोटल वैल्यू हो गई नहीं तो एक रुपए का प्रीमियम है समझ लो और ये एक लाख रुपए है तो एक लाख को फेस वैल्यू दस से डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा टेन थाउजेंड शेयर्स तो टेन थाउजेंड शेयर्स टेन का इच एक रुपए का प्रीमियम है तो इसमें क्लास ग्यारह एक रुपए का प्रीमियम है तो टेन थाउजेंड ही बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम फेस वैल्यू नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं रुपीज है क्वेश्चन कहता है कि दस लाख रुपए के शेयर्स इशू करेंगे जो सौ का एक है दस का एक है सॉरी सॉरी एक लाख एक लाख एक सेकंड यार एक लाख शेयर्स है एक लाख रुपए है एक लाख रुपए शेयर है दस का एक तो कितने शेयर्स निकलेंगे टेन थाउजेंड शेयर्स एक लाख की फेस वैल्यू है दस का एक है फेस वैल्यू तो टेन थाउजेंड शेयर्स है तो फेस वैल्यू कितनी है टेन और प्रीमियम है टेन का टेन परसेंट यानी कि एक रुपए तो फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी क्लास टेन थाउजेंड इंटू टेन एक लाख और प्रीमियम कितना आएगा टेन थाउजेंड इंटू वन टेन थाउजेंड तो दस हज़ार का प्रीमियम है टोटल कुल मिला के एक लाख दस हज़ार तो ये शेयर से दे देंगे तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे कर दूंगा एक लाख दस हज़ार शेयर्स के थ्रू कितना दे देंगे शेयर्स के थ्रू ऐसे निकाल लेंगे और फेस वैल्यू एक लाख है और सिक्योरिटी प्रीमियम है दस ठीक है पहला दूसरा क्या कहते हैं क्लास 5000 हजार डिबेंचर सौ का एक टेन परसेंट डिस्काउंट अब डिबेंचर ही पांच हजार है डिबेंचर्स पांच हजार है पांच हजार डिबेंचर्स है लेकिन सौ का एक है तो पांच हजार इंटू सौ फेस वैल्यू कितना हो गया पांच लाख लेकिन डिस्काउंट जो हो गया अब डिस्काउंट तो माइनस होगा है ना फेस वैल्यू कितना है पांच लाख डिस्काउंट कितने का हो गया पाँच हजार इंटू सौ का दस परसेंट दस ठीक है पचास हजार

तो इस तरीके से आप इतनी सारी चीजें दे रहे हो वाई लिमिटेड को क्योंकि आप उससे एसेट खरीद रहे हो क्या खरीद रहे हो क्लास यहाँ पे जो भी आपने बिल्डिंग खरीदा बिल्डिंग खरीद रहे हो तो आप इतने अमाउंट को सेटल कर रहे हो तो ये हो गया आठ लाख पांच हजार रुपए का आपका पूरा का पूरा, पूरा एसेट यानी कि आपने जो बिल्डिंग खरीदी वो आठ लाख पांच हजार की है जिसकी वजह से आप एक लाख के आप शेयर्स इशू कर रहे हो टेन प्रीमियम यानी कि एक लाख दस का डिवेंचर है क्लास पाँच हज़ार डिवेंचर्स है नाइन्टी के हिसाब से फाइव लाख नाइन्टी क्यों है क्लास पता है ना आपको क्योंकि डिबेंचर्स पे दस परसेंट का डिस्काउंट है तो फोर फिफ्टी हो गया दो लाख का आपका साफ साफ का चेक हो गया दो लाख का और बिल्स पेबल हो गया आपका फोर्टी का इस हिसाब से आप इनकी टोटलिंग करोगे मैं फिर से ऐड कर देता हूँ तो टोटलिंग करके आ रहा है आपका आठ लाख पाँच हज़ार की मशीन तो आपने सारा काम अब कर दिया अब कुछ नहीं अब सिर्फ एंट्री करनी है तो आप मशीन ख़रीदने की एंट्री क्या करोगे और सॉरी बिल्डिंग खरीदने की एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड ठीक है कितने क्लास बिल्डिंग खरीदा आठ लाख पांच हजार आठ लाख पांच हजार आप इसको दिखा दो वर्किंग नोट में ये कहां से आया आठ लाख पांच हजार वर्किंग नोट में ठीक है यह है वर्किंग नोट में आठ लाख पांच हजार ठीक है अब आपने इतनी सारी चीजें दी सबकी अलग अलग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं आप एक भी कर सकते हो अब तुम अपने घर पे अच्छी प्रैक्टिस के लिए अलग अलग भी करके देखना एक भी करके देखना ताकि आपको दोनों रास्ते पता होना चाहिए तो अब हम अलग अलग करके नहीं देखेंगे एक साथ करके देखेंगे आप अलग अलग करके देख लेना वाइल लिमिटेड डेबिट जी वाइल लिमिटेड को तो आठ लाख पाँच हजार रुपए देने हैं अब इस सिचुएशन में टू बैंक चेक से कितना दिया है जी दो लाख रुपये चेक से दिया है टू बिल्स पेबल हमारे लिए तो इस बिल की पेमेंट करनी है ना हमने तो खरीदी चीज तो हम पैसा देंगे कितना बिल्स फोर्टी फाइव थाउजेंड का टू अभी इक्विटी शेयर कैपिटल है और आप सबको पता है कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी तो फेस वैल्यू कितनी है एक लाख यहां भी देखो दिखा दिया था प्रीमियम दस हजार का है वो भी नीचे आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू परसेंटेज डिबेंचर डिबेंचर्स भी तो है ना टू नाइन परसेंट डिबेंचर्स और डिबेंचर्स कितने हैं फेस वैल्यू कितनी है हंड्रेड है डिबेंचर से फाइव थाउजेंड जैसे इक्विटी शेयर में फेस वैल्यू कितनी थी क्लास दस रुपये शेयर्स कितने थे टेन थाउजेंड शेयर्स और प्रीमियम था टेन थाउजेंड शेयर्स इंटू एक रुपये का प्रीमियम तो ये हो गया पाँच लाख पर डिबेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ तो डिस्काउंट डेबिट होगा ऊपर जगह छोड़ रखी थी हमने तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट तो डिस्काउंट कितने का था क्लास डिबेंचर है पचास हज़ार का इवन आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे पाँच हज़ार डिबेंचर्स थे डिस्काउंट था दस परसेंट का यानी कि सौ का फेस वैल्यू था दस परसेंट बनेगा दस रुपये वहाँ पर पहले में दस का फेस वैल्यू था दस परसेंट कितना बना था एक रुपये अब आप जरा डेबिट क्रेडिट आप मैच करके देखो नीचे का आ रहा है एट लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड और ऊपर का भी आ रहा है एट लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड यानी कि क्वेश्चन ठीक है तो आप अलग अलग एंट्री करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा तो आई रिकमेंड कि आप अलग अलग एंट्री मत करो आप एक बार करके देख लो सीख लो बट करो आप एक साथ एंट्री तो ये थे क्लास अदर देन कैश के क्वेश्चंस हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए आप एक एसेट खरीदते हो एक बिजनेस खरीदते हो कुछ पार्ट पेमेंट करते हो कुछ शेयर्स में दे देते हो अब शेयर्स या डिवेंचर्स में किसी में भी दो शेयर होता तो शेयर कैपिटल आएगा डिवेंचर में परसेंटेज डिबेंचर आएगा प्रीमियम है तो क्रेडिट डिस्काउंट है डेबिट परसेंटेज डिबेंचर है तो वो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है तो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से बट शेयर्स क्योंकि हमेशा uh, जो डेबिट शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते तो वो हमेशा क्रेडिट ही होगा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से अगर प्रीमियम है तो तो ये समझ लो सब कुछ रख दिया इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं अब सारी चीजें हो गई इसके अंदर राइट इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी अब इसमें कहानी क्या है एक कंपनी है जो जिसका नाम है क्लास एक्स लिमिटेड वो जाती है बैंक के पास बैंक से कहती है जी बैंक बैंक हमें पचास लाख का लोन दे दो बैंक कहती है देखो हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन आप गिरवी क्या रखोगे ये बताओ क्या चीज़ सिक्योरिटी दोगे ये बताओ तो हम कहते हैं ठीक है जी हमारी एक बिल्डिंग है वो बिल्डिंग जो है आप गिरवी रख लो एक हमारी बिल्डिंग है ये बिल्डिंग जो है आप वो गिरवी रख लो इसकी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है जी बिल्डिंग की वैल्यू है पचास लाख तो बैंक कहती है जी पचास लाख का आपको लोन चाहिए और पचास लाख की बिल्डिंग गिरवी रख रहे हो हमें बेच थोड़ी रहे हो बिल्डिंग आप गिरवी रख रहे हो कल को अगर आप लोन की पेमेंट नहीं करोगे तो आपको डर नहीं रहेगा बिल्डिंग का हम जब्त कर लेंगे तो आप बोलोगे बिल्डिंग तो पचास लाख की थी लोन पचास लाख का ले लिया ऐसा बराबर रख लो बिल्डिंग कल को आप ऐसा बोलोगे तो जी हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को ही यहाँ पे कॉलेट्रल सिक्योरिटी बोला गया है तो कंपनी क्या करेगी कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और रखेगी यानी कि 20 लाख रुपए के कंपनी अपने डिबेंचर्स को गिरवी रख देगी किसको डिबेंचर्स को ध्यान रखना कंपनी बीस लाख के मैं एग्जाम्पल के तौर पर फिगर ले रहा हूँ कंपनी बीस लाख के अपने डिबेंचर्स को बैंक में गिरवी रख देगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक ने क्लास सॉरी मतलब कंपनी बैंक को बीस लाख के डिबेंचर्स को गिरवी रख देगी और इस डिबेंचर्स पे ध्यान सुनना कोई भी इंटरेस्ट कंपनी बैंक को नहीं देगी क्योंकि क्लास इंटरेस्ट कंपनी लोन पे देगी ये डिबेंचर कंपनी ने जो है एक तरीके से इश्यू नहीं किया गिरवी रखा है बैंक के पास और अगर कल को बैंक क्लास इनसे पेमेंट रिकवर नहीं कर पाता है। मतलब कंपनी अगर क्लास अपना सारा का सारा लोन नहीं चुकता करती तो क्लास ये डिबेंचर्स फिर किसके हो जाएंगे क्लास बैंक के और बैंक क्लास फिर इनसे इंटरेस्ट डिबेंचर्स का लेने लग जाएगा सो so, मेरे कहने का मतलब सिंपल सी इतनी बात है कि कंपनी डिबेंचर्स को बैंक को दे रही है और बदले में लोन ले रही है एज एन एडिशनल सिक्योरिटी दिस इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास ये इसकी जो ये मीनिंग है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बना

अब इसकी जनल एंट्री क्या होती है सिंपल सी दो एंट्री होती है एंट्री नंबर वन एंट्री नंबर टू एंट्री नंबर वन है लोन टेकन जब क्लास लोन लेती है बैंक आप आपके पैसा आ जाएगा साथ में बैंक लोन बन जाएगा लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बीइंग लोन टेकन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम जो भी बैंक होगा उसका नाम लिख दो ना ठीक है अच्छा अब कंपनी डिबेंचर्स को गिरवी रखेगी उसकी एंट्री इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी अगर अपने डिबेंचर्स को गिरवी रखती है तो उसकी एंट्री क्या पास होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट टेन परसेंट जो भी है टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट नरेशन क्या होएगा क्लास बींग डिबेंचर्स या जितने भी डिबेंचर्स है इशूड एट कोलेट्रल कोलेट्रल सिक्योरिटी तो इस पूरे टॉपिक में बस ये दो जनल एंट्री तुम्हें याद रखना है पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट और दूसरी एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट ठीक है ये दो एंट्री तुम लोगों को हमेशा याद रखनी है परसेंटेज डिबेंचर आपको पता है हमेशा क्रेडिट होता है तो अभी भी ये क्या है क्लास क्रेडिट ही है बाकी बैंक टू बैंक लोन अब सुनना ढंग से मेरी बात जनरली बैंक जो लोन लेती है वो लंबे समय के लिए लेती है ठीक है तो अगर बैंक लंबे समय के लिए देखो बैंक क्या है बैंक करंट असेट आप सबको पता है बैंक बैलेंस करंट असेट है इसकी सब हेडिंग आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसके अंदर आता है तो बैंक हो गया करंट असेट और जो बैंक लोन हो गया बैंक लोन अगर कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है लंबे समय के लिए तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन और कंपनी ने अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो हम इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लोन हो गया करेंट लाइबिलिटी जनरली क्लास बैंक जो लोन लेती है वो लंबे समय के लिए लेती है ठीक है लंबे समय अगला है डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री उसको हम लोग करेंगे डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर सस्पेंस होगा डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट अब परसेंटेज डिबेंचर जनरली क्या है ये लॉन्ग टर्म डेट है क्या है क्लास ये लॉन्ग टर्म डेट है बैंक लोन जो है लंबे समय के लिए लिया है वो भी लॉन्ग टर्म डेट है और जो डिबेंचर्स है वो भी लॉन्ग टर्म डेट है अब इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे एंट्रीज तो आपको पता चल गई बैंक टू बैंक लोन लोन लेने की एंट्री डिबेंचर सस्पेंस टू पर्सन डिबेंचर डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री अब हम लोग इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो आप देखो ये रही क्लास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ध्यान से देखना इसको अच्छे से नोट करना वीडियो पॉज करके हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हम सिर्फ कॉलेट्रल सिक्योरिटी जो कंपनी इशू कर रही है ना हम सिर्फ उसकी बैलेंस शीट बना रहे वो चीज़ दिखाएंगे तो इसको भूल जाओ अभी सबसे ऊपर वाला पार्ट देखो ये है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट है हम वो डेट डाल देंगे यह है इक्विटी एंड लाइबिलिटी इसके अंदर आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बेटा अगर ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए होता जो कि ना के बराबर चांस है तो फिर भी आप चेंज क्या करते हैं करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग इतना फर्क है यह है नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरइंग अगर क्वेश्चन कहता है लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो सिंपल से इतने का काम करते करंट uh, लाइबिलिटी और नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग ठीक है अब इसके लिए बनेगा नोट नंबर वन इसके लिए क्या बनेगा क्लास नोट नंबर वन तो ये हो गया क्लास पहला नोट जो कि है लॉन्ग टर्म बोरइंग्स का अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जो नोट बन रहा है इसमें दो चीजें आएंगी पहली चीज लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम द बैंक जितने का लोन लिया है वो प्लस डिबेंचर बिकॉज डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म है तो इतने डिबेंचर एट द डेट इतना ही कुल मिला के ये दो चीज़ है और जो डिबेंचर सस्पेंस है वो इसी से माइनस हो जाएगा मतलब नेट इफेक्ट ना इसका पूरा कैंसिल हो जाएगा यही फिगर जो है वो बाहर लिख जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल जो आपने लोन जो आपने एंट्री की ना डिबेंचर सस्पेंस ये माइनस होगा ये प्लस होगा आपस में कैंसिल तो कुल मिला के बैंक तो करंट असेट है वो असेट साइड जाता है तो सिर्फ ये बैंक लोन का जो बैलेंस है वो आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा फिर इस फिगर को उठा के यहाँ लिख देना दैट्स इट फॉर्मेट भी बन गया मतलब एक्सट्रेक्ट बैलेंस शीट बन गई कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और एंट्री भी क्लियर हो गई मैं रिपीट कर रहा हूँ दो एंट्री हैं लोन लेने की बैंक टू बैंक लोन गिरवी रखने सस्पेंस टू आपको इन सबकी जगह पता होना चाहिए बैंक कहा जाता है करंट असेट में लोन कहा जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ठीक है डिबेंचर ये जो पर्सनटी डिवेंचर है वो भी लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म इसमें से ये माइनस हो जाता है सस्पेंस माइनस हो जाता है सवाल ये है सर ये क्या है सस्पेंस देखो यार हम डिबेंचर इशू नहीं कर रहे सिर्फ गिरवी रख रहे हैं तो अभी में हमारे भी हो सकते हैं डिबेंचर्स कंपनी के भी डिबेंचर हो सकते सॉरी बैंक के भी डिबेंचर हो सकते हैं अगर हम लोन की पेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर हमारा हम लोन की पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो डिबेंचर्स कंपनी के तो गिरवी रखे हुए हैं ठीक है तो इसीलिए उसकी एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस ये सस्पेंस टू परसेंट डिवेंचर तो परसेंटेज डिबेंचर यहां आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग में

अब क्वेश्चन क्या कर सकता है क्लास व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी किसी भी कंपनी के पास दो ऑप्शन है ध्यान समझना आपको एंट्री पल चल गई हां सर एंट्री पल चल गई बैलेंस शीट में कहा दिखाना है पता चल गया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर हां सर पता चल गया डिबेंचर सस्पेंस को माइनस करना है अब कोई भी कंपनी के पास दो ऑप्शन है ध्यान समझना दो ऑप्शन है तुम्हारा काम खत्म हो गया अभी 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 सब आसान है दो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन वेन कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कोलेट्रल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करना चाहती हैं और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं क्लस जो कोलेट्रल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती तो अगर कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो तो क्या करेगी लोन की एंट्री पास करेगी लोन लेने की एंट्री और डिबेंचर को गिरवी रखने की इस एंट्री को पास करेगी और साथ में बैलेंस शीट में दिखाएगी भी लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कंपनी डू नॉट वांट टू तो शो द डिबेंचर इशू एज अ कोलेटल सिक्योरिटी तो कंपनी एंट्री भी पास नहीं करेगी और बैलेंस शीट में दिखाएगी भी नहीं कितनी सिंपल सी चीज़ है मैं दिखाता हूँ कितना सिंपल काम हो गया देखो अगर कंपनी कहती है सुनो अगर कंपनी कहती है कि इशू ऑफ डिबेंचर एज ए क्वालिटल सिक्योरिटी को बैलेंस शीट में दिखाना है ध्यान सुनो अगर कंपनी कहती है इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलिटल सिक्योरिटी को बैंक बैलेंस शीट में दिखाना है तो आप क्या करोगे लोन लेने की एंट्री करोगे डिवेंचर को गिरवी रखने की एंट्री करोगे और साथ में परसेंटेज डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस को बैलेंस शीट में दिखाओगे क्योंकि आपने एंट्री करी है अब एंट्री करी है तो दिखाना तो पड़ेगा ही लेकिन क्वेश्चन कहता है कि भाई बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखाना इश्यू ऑफ डिवेंचर अ कोलेट्रल सिक्योरिटी को बैलेंस शीट में दिखाना ही नहीं है क्वेश्चन खुद कह रहा है तो नहीं दिखाएंगे लोन लेने की एंट्री तो करेंगे लोन तो लिया है वो तो हर केस में लिया है इश्यू ऑफ डिवेंचर अ कोलेट्रल सिक्योरिटी को हम नहीं दिखाएंगे जब हम एंट्री ही नहीं करेंगे तो हम बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाएंगे भाई जिसकी एंट्री ही नहीं हुई वो बैलेंस शीट में कैसे पहुंचेगा भाई जनरल एंट्री नहीं हुई तो लेजर नहीं बना लेजर नहीं बना तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो वो पी एंडल और बैलेंस शीट में कैसे जाएगा जो चीज़ लिखा ही नहीं है समझ रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया आपका मतलब हम लोगों को करना क्या है अगर कल को क्वेश्चन कहता है कल को क्वेश्चन कहता है कि आपको बैलेंस शीट में दिखाना है दिखाना है कहता है तो मैं ये दोनों एंट्री पास करूंगा हाँ करूंगा करने के बाद मैं बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा हाँ दिखाऊँगा लेकिन कल को क्वेश्चन कहता है कि आपको इश्यू ऑफ आप डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी की एंट्री नहीं पास करनी तो मैं क्या करूँगा इसको छुपा दूंगा ये दोनों हटा दूंगा यहाँ से ये दोनों हटा दिया यहाँ से ठीक है अब इस फिगर को उठा के मैं ऊपर ले जाऊंगा साथ में मैं ये जो एंट्री है दूसरी वाली एंट्री ये नहीं करूंगा सिर्फ एक एंट्री करूंगा और बैंक लोन दिखा दूंगा ये दोनों का काम बच जाएगा मेरा तो मैंने तुम्हें पूरा बता दिया क्वेश्चन कहता आधा करो तो आधा ही कर देना आओ इसी चीज को प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन से करके देखते हैं ठीक है मैं ये सब मिटा देता हूँ एक क्वेश्चन से हम लोग इसको करके देखते हैं हमारे सामने एक क्वेश्चन है इससे हम लोग करके देखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमने ऑलरेडी बना लिया है अब ये रहा क्वेश्चन एस सिंह लिमिटेड ऑप्टिन लोन ऑफ फाइव लाख कंपनी ने पांच लाख का लोन ले लिया जी ठीक है जी लोन ले लिया पांच लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है दस परसेंट इंटरेस्ट पे करेगी लोन पे और द कंपनी इशू साढ़े सात लाख टेन परसेंट डिबेंचर ऑफ हंड्रेड एज इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी तो कंपनी कहती है हम लोग साढ़े सात लाख के डिबेंचर्स इशू कर देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो ये जो डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं वो कलेक्टरल में इशू कर रहे हैं उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना हम लोन पे इंटरेस्ट

सिक्योरिटी में देखा गया है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंसशीट पूछ लिया जाता है बैलेंसशीट में कैसे दिखाएंगे तो आपको अगर एंट्री मांगता है तो एंट्री करना बैलेंस मांगता है तो बैलेंसशीट में दिखाना दोनों मांगता है तो आप दोनों करना ठीक है तो पहला केस,

अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट अब दूसरे केस में लोन लेने की एंट्री करो साथ में डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री करो तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट और क्वेश्चन कह रहा है डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री भी करनी है तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट नरेशन जो मैंने लिखवाया था वही लिखना बैंक डिबेंचर इशू एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट लोन कितने का लिया है जी फाइव लाख फाइव लाख डिबेंचर्स कितने की गिरवी रखे आपने लोन लिया है फाइव लाख फाइव लाख डिबेंचर गिरवी रखे आपने साढ़े सात लाख साढ़े सात लाख लोन आपने लिया है पांच लाख पांच लाख डिबेंचर गिरवी रखा आपने साढ़े सात साढ़े सात यहाँ पे एंट्री नहीं करी क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा नहीं करना चाहिए था अब एक मन में सवाल आ रहा होगा सर कुछ भी नहीं कह रहा तो क्या करें तो तो सब कुछ दिखाओ आप जब क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कह रहा दिखाना है नहीं दिखाना तो तो आप कमी कुछ मत करो ना इफ क्वेश्चन इज साइलेंट लिख लो अपनी कॉपी में इफ इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हमें उसे दिखाना पड़ेगा ठीक है सर आपने एंट्री तो पास कर दी अब बैलेंस शीट में दिखा दो इसे तो इस केस में बैलेंस शीट में सिर्फ लोन जाएगा और इस केस में बैलेंस शीट में लोन भी जाएगा डिबेंचर सस्पेंस भी जाएगा परसेंटेड डिबेंचर भी जाएगा तो मैं तुम्हें केस ए का बना के दिखा देता हूँ पहले ठीक है ये रही क्लास बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कंपनी का नाम क्या है क्लास एस एस लिमिटेड एस सिंह लिमिटेड एस सिंह लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च जो भी डेट होगी वो लिख देंगे ठीक है तो आओ ये बन गई बैलेंस शीट मैं बैलेंस शीट दोबारा नहीं बना रहा क्योंकि ऑलरेडी क्लास हमारा फॉर्मेट ये पूरा बना हुआ है ठीक है तो लोन कितने का लिया है जी लोन लिया है एस से ठीक है कितने का पांच लाख का यही पांच लाख ऊपर लिख दो खत्म हो गया केस ए ठीक है आपने बैलेंस शीट बनाई इक्विटी एंड लाइब्रिटी साइड का नाम होता है है ना आपने कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा होगा बैलेंस शीट उसमें भी ये साइड होता है कंपनी का जो मतलब कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है वर्टिकल फॉर्मेट में होती है तो ये नाम है नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोइंग्स आ गया और फिर एक लास्ट नोट्स अकाउंट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए आपने लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक पाँच लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है हो गया ख़त्म केस नंबर एक ये हो गया आपने लोन लिया था और आपने एंट्री पास कर दी अब केस नंबर बी में हमें ये भी दिखाना है साथ में ये भी दिखाना है तो देखो कैसे करना है ध्यान से देखना मैं कितना चेंज करूँगा बार बार बैलेंस शीट नहीं बना रहा मैं हम इसमें बनाकर दिखा रहा हूँ ये हो गया बी पार्ट ये और ये बिल्कुल सेम बनेगा बस यहां पे नई चीज आ जाएगी कितने डिबेंचर्स है क्लास टेन uh, परसेंट डिबेंचर्स टेन परसेंट डिबेंचर्स टेन परसेंट डिबेंचर्स अंदर लिख दूंगा मैं साढ़े सात लाख सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड इसी में से माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो अल्टीमेटली हर एक क्वेश्चन में ये तो जीरो हो ही जाना है बस इसे दिखा देना है बैलेंस शीट में तो पहले केस में भी फाइव लाख आया था और दूसरे केस में भी फाइव लाख ही आया है बैलेंस शीट में लेकिन आपको दिखाना है तो आपको इसको प्रेजेंटेशन करके दिखाना पड़ेगा ठीक है अगर आपको नहीं दिखाना था तो क्लास आप इसे नहीं लिख रहे थे बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं यहाँ फेस वैल्यू हंड्रेड है और कुछ भी नहीं फेस वैल्यू हंड्रेड ही था ना वहाँ पे हाँ हंड्रेड फेस वैल्यू है तो ऑब्वियसली क्लास सात सेवेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स ऑफ हंड्रेड ईच हो गया तो आप ये भी लिख सकते हो सेवेंटी फाइव लेने की के एंट्री बैंक टू बैंक लोन दूसरा डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिवेंचर क्वेश्चन कहता है दिखाओ बैलेंस शीट में तो दोनों एंट्री करेंगे और दोनों चीजों को बैलेंस शीट में दिखाएंगे जिसकी जो पोजीशन है ये हमेशा कैंसिल हो जाता है और फिगर हमेशा बराबर ही होगा डेबिट क्रेडिट ऑलवेज इक्वल तो एक कैंसिल हो जाएगा लोन का अमाउंट ही बैलेंस शीट में अल्टीमेट आता है क्वेश्चन कहता है मत दिखाओ तो आप ये दोनों मत दिखाना और इसकी एंट्री भी मत पास करना क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो आपको सारा कुछ दिखाना है और क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना कि क्वेश्चन आपसे एंट्री मांग रहा है या एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मांग रहा है राइट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब है डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू डेट पे उनका पैसा लौटा देना

एंट्री इशू की करो लेकिन साथ में आपको रिडम्पशन के टर्म्स गिवन होते हैं रिडम्पशन किस पे हुआ है आपने कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखा होगा जहां पे लिखा रहता है कि कंपनी ने डिबेंचर को इश्यू किया 100 का एक है एट डिस्काउंट 10 परसेंट और प्रीमियम 10 परसेंट रिडीम हो रहा है चार साल बाद एट प्रीमियम ऑफ टेन और एट पार क्वेश्चन तुम्हें रिडीम की इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है हमें जर्नल एंट्री इशू की करनी है हमारे सिलेबस में इशू की ही एंट्री है रिडमशन की एंट्री तो हमको पढ़नी ही नहीं है तो क्वेश्चन क्यों कह रहा है कि कंपनी डिवेंचर को रिडीम करेगा चार साल बाद पांच साल बाद पार पे और प्रीमियम पे हमें क्या मतलब है क्योंकि कंपनी रिडमशन अगर प्रीमियम पे करती है पार और प्रीमियम दो ही कंडीशन है बताऊंगा आगे चल के लेकिन कंपनी अगर एडमशन प्रीमियम पे करती है ना तो उसका असर इशू की एंट्री में भी दिखता है तुम्हें क्लास इशू की एंट्री में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ ऐड ऑन करने पड़ेंगे इसीलिए क्लास तुमको एडमशन की इन्फॉर्मेशन देता है तुम तो मेरी एक लाइन प्लीज़ अपनी कॉपी पर अच्छे से लिख लो हो सके तो कॉमेंट सेक्शन में अच्छे से लिख लो क्लास हाथ में लिख लो कहीं भी लिख लो क्लास लेकिन लिखो जरूर क्योंकि ये पक्का आएगा पेपर में अगर कभी भी लिखो हिंदी में अपनी भाषा में जो भी तुम्हारी भाषा है लिखो अगर कभी भी रिडम्शन प्रीमियम पर हुआ है अगर कभी भी रिडम्शन प्रीमियम पर हुआ है तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा लिखो अगर कभी भी रिडम्शन प्रीमियम पर हुआ है उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा चाहे चाहे अगर कभी भी रिडम्शन प्रीमियम पर हुआ है उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा चाहे इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी पे भी हुआ हो लिख आपने चाहे इश्यू पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी पर भी हुआ हो उसका असर दिखेगा क्यों और क्या है ये सब क्लास हम आगे चल के बात करेंगे ठीक है सो so, रिडमशन ऑफ डिवेंचर मतलब वेन बिजनेस डिस्चार्ज द लाइबिलिटी फॉर द डिवेंचर्स बाई रीपेंग द अमाउंट ऑफ द डिवेंचर्स टू द डिवेंचर होल्डर्स इज नोन एज रिडमशन ऑफ डिवेंचर जब डिवेंचर होल्डर्सेंचर होल्डर का उनका पैसा दे दिया जाता है और उनसे डिवेंचर्स को वापस ले लिया जाता है दिस इज कॉल्ड रिडम्शन ऑफ डिवेंचर कंपनी ने क्लास इनसे पैसा लिया था आज कंपनी क्लास इनको पैसा लौटा रही है उसको बोलते हैं रिडमशन ऑफ डिवेंचर्स रिडमशन ऑफ डिवेंचर्स हमारे सिलेबस में नहीं है इसकी एंट्री वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है मीनिंग जरूर पता होना चाहिए ठीक है एक बात और क्लास में पता होना चाहिए कंपनी रिडीम करती है ना उसकी दो ही कंडीशन रिडीम की रिडीम होगा क्लास या तो पार पे रिडीम होगा या तो प्रीमियम पे कंपनी डिबेंचर्स को पार या प्रीमियम पर ही रिडीम कर सकती है यानी कंपनी जब डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाती है तो या तो पार पे लौटा सकती है प्रीमियम पे लाइक like अगर हंड्रेड का डिबेंचर्स था इशू किस पे हो सकता है इशू तीनों पे हो सकता है पार पे प्रीमियम पे डिस्काउंट पे तो हमने पढ़ लिया था पर लौटाते वक्त सौ का डिबेंचर है तो सौ लौटाएंगे या एक सौ दस एक सौ बीस ठीक है एक सौ बारह एक सौ पंद्रह कैसे भी लौटा सकते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं या बराबर कम नहीं लौटा सकते लौटाते वक्त क्लास आप कम नहीं दे सकते ये रूल है आप ध्यान रखना ठीक है तो चलो क्लास इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पन जितने भी क्लास इसके अंदर बनती हैं चीज़ें एक करके समझ लेते हैं क्लास सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं ठीक है रिडम्शन की एंट्री क्या होती है जो रिडम्पशन है उसकी वजह से इशू की एंट्री में क्या क्या चेंज आता है तो मैं तुम्हें बताता हूं क्लास ठीक है कंपनी एक एक कर एक क्लास सारी एंट्री समझते हैं तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ इसे अपनी कॉपी पे क्लास बना लो एक पेज में ऐसे लाइन खींचो ये इशू की एंट्री है ये रिडम्पशन की एंट्री रिडम्पशन किस पे हो रहा है क्लास पार पे ठीक है तो इशू की एंट्री आप क्या करते हो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट ठीक है अच्छा प्रीमियम पे अगर इश्यू हो रहा है तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अगर इशू डिस्काउंट पे हो रहा है तो एंट्री क्या करते हो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन फिर अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट ये आप इशू की एंट्री करते हो चाहे कंपनी इशू पार पे कर रही हो प्रीमियम पे कर रही हो डिस्काउंट पे कर रही हो ठीक है आप ये इशू की एंट्री करते हो रिडीम पार पे हो रहा है लेकिन आपको रिडीम की कोई भी एंट्री हमें क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है रिडीम की एंट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है हमें तो बस इशू की एंट्री पास करनी है तो कल को तुम्हें क्लास क्वेश्चन बोलेगा

प्रीमियम पे हो रहा हो अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा हो तो इशू की एंट्री में उसका असर आता है इसीलिए कई बार तुम्हें क्वेश्चन में कहता है ये कंपनी रिडीम कर रही है प्रीमियम पर तो आप इशू की एंट्री पास करो अब बच्चे इसका असर इसमें दिखाना भूल जाते हैं जिसकी वजह से नंबर कटते हैं और ये हंड्रेड परसेंट आता है तो अब ध्यान से ये स्लाइड लिखो अपनी कॉपी में और अच्छे से समझो इश्यू की एंट्री इस तरफ रिडम्पन की एंट्री इस तरफ हमें एंट्री करनी नहीं है लेकिन मैं अज्यूम करता हूं कंपनी रिडीम कर रही है मान लो डिबेंचर्स जो है वो सौ रुपए का है और कंपनी रिडीम कर रही है क्लास सौ प्लस पांच तो ये जो पांच रुपए है ना इसको क्या बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्शन ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पन सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के वक्त फालतू लिया जाता है प्रीमियम और लौटाते वक्त फालतू पैसे लौटाए जाते हैं डिबेंचर होल्डर को सो इज डिफरेंस डिबेंचर सौ का था रिडीम कर रहे सौ पांच में? में तो इशू की एंट्री क्या होगी ध्यान समझना ठीक है तो इशू की एंट्री अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर आप बोलोगे सर कहा एंट्री में चेंज आया सेम ही तो एंट्री है देख लो यस yes, सेम एंट्री है पर चेंज क्या है ध्यान समझना रिडम्शन पे जितना भी प्रीमियम है ध्यान समझना रिडम्शन पे आप पैसा लौटाते वक्त जितना भी प्रीमियम लौटा रहे हो वो इशू की एंट्री में डेबिट भी होगा वो क्रेडिट भी होगा डेबिट होगा इशू की ड्यू की एंट्री में इशू की ड्यू की एंट्री में डेबिट होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ठीक है यानी कि सर फर्क क्या पड़ा कुछ नहीं निल इफेक्ट है जीरो लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप आज डिबेंचर इशू कर रहे हो आपको पता है पांच साल बाद आपको लौटाना है तो प्रीमियम पर लौटाना है तो आज ही आप क्लास उसको बुक कर दो उसको दिखा दो लॉस को आज ही दिखा दो इसलिए लॉस को डेबिट कर दिया लॉस हुआ किसकी वजह से प्रीमियम और एडम्पन की वजह से लॉस हुआ नहीं आज लेकिन हाँ हमें याद रहेगा कि हाँ लौटाते वक्त हमें फालतू पैसे लौटाने हैं डिबेंचर होल्डर्स को राइट So, redum, अगर इशू पार पे हो रहा है और रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है फिर एंट्री क्या होगी इशू पार रिडीम प्रीमियम तो इशू पे हो रहा है तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर पार की एंट्री बस रिडमशन जो प्रीमियम पे हो रहा है ये पांच जितने डिवेंचर से इंटू ऊपर भी इंटू पांच नीचे भी बस आपने ये चेंज करना है तो कभी भी रिडम्शन प्रीमियम पर हो रहा हो तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखता है इशू की जो ड्यू की एंट्री है उसमें लॉस ऑन इशू को डेबिट कर देते हैं और प्रीमियम ऑन रिडम्शन को क्रेडिट कर देते हैं बस जी इतनी सी बात है ठीक है अब यहाँ पे रिडम्शन पे प्रीमियम तो यही पाँच रुपये क्लास इशू की जो एंट्री है नॉर्मल एंट्री क्या पहले नॉर्मल एंट्री कर लो सबसे पहले नॉर्मल एंट्री कर रो जो तुम्हें याद है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कर दी नॉर्मल एंट्री हाँ कर दी अब इशू की ड्यू की एंट्री में एक चीज़ ऊपर एक चीज नीचे लिख देना ऊपर क्या लिखोगे डेबिट में लॉस ऑन इशू ड्यू की एंट्री में ठीक है परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या कर दोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ

डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किस नाम से हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ठीक है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि अगर रिडीम प्रीमियम पर हुआ है तो इशू चाहे किसी पे भी हुआ सही पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी पे भी हुआ सही लॉस ऑन इशू को डेबिट करेंगे प्रीमियम एडमिशन क्रेडिट करेंगे ड्यू की एंट्री में मतलब तो परसेंटेज डिबेंचर वाले एंट्री में और जितना प्रीमियम है वही ऊपर आ जाएगा वही नीचे डेबिट क्रेडिट मैच होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे बस बुक हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन क्लास एग्जामिनेशन में आते हैं मैं आपको कुछ प्रिविशरी क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा राइट right? तो इस बात को क्लास अच्छे से लिख लो कमेंट सेक्शन में अपनी नोटबुक में कहीं भी क्योंकि क्लास आप आज लिख लोगे ना कि इन्होंने कभी भूलोगे नहीं फिर आप ठीक है चलो अब चलते हैं क्लास कुछ क्वेश्चन पे एंट्री हमने समझ ली आओ क्लास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ पे सानिया लिमिटेड इशू करते है फाइव लाख रुपीज ये नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है ये पाँच लाख रुपए हैं एक डिबेंचर सौ का है तो इस हिसाब से पाँच हज़ार डिबेंचर कंपनी इशू करती है सानिया लिमिटेड क्लास पाँच हज़ार डिबेंचर इशू करती है एक की कीमत सौ है लेकिन पाँच परसेंट डिस्काउंट ऑफ फाइव परसेंट सौ का पाँच परसेंट कितना होता है पाँच पाँच परसेंट डिस्काउंट पर इशू किया रिडीमेड प्रीमियम फॉर टेन परसेंट रिडीम हुआ है क्लास एक सौ दस में तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लास घंटी बजे टन 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 क्या अगर रिडीम प्रीमियम पर हुआ है तो इश्यू चाहे किसी पे भी हो रहा सही लॉस ऑन इशू आएगा और प्रीमियम प्रीमियमशन ऊपर नीचे आएगा यही है क्लास इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है तीन नंबर का ठीक है तो पास जल एंट्री देखी तो ट्रांजेक्शन आपको एंट्री पास करनी है तो इशू की एंट्री मुझे बताओ इशू की एंट्री इसको देख के करोगे ध्यान समझना इशू की एंट्री इसको देख के पहले पूरा कर देना फिर ये दस रुपए ऊपर नीचे लिख देना बस तो इशू की एंट्री तो इशू की जो टर्म्स है उसको देख के ही करेंगे लाइक इशू की एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने डिबेंचर है तो नाइनटी फाइव आएगा जब आपने इशू 95 में किया है तो बैंक में 95 आएगा 95 फाइव इंटू फाइव थाउजेंड इट्स फोर लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फोर लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट फोर लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिस्काउंट में आपने इशू किया है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू नाइन परसेंट अकाउंट ठीक है तो फोर सेवेंटी फाइव हो गया और डिस्काउंट है पाँच रुपये का फाइव थाउजेंड इंटू फाइव ठीक है तो ये आएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यह आएगा पाँच लाख ठीक है अब आप ऊपर डेबिट में लिखोगे क्या क्योंकि रिडम्शन प्रीमियम पे हो रहा है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट अगर पेपर में पूरा लिखना है पूरा डिटेल में मतलब फुल फॉर्म लिखना है अगर रिडम्पन प्रीमियम पे हो रहा है तो वही प्रीमियम यहाँ ऊपर आ जाएगा फाइव थाउजेंड इंटू टेन या आएगा फिफ्टी थाउजेंड और वही प्रीमियम क्लास यहाँ नीचे आ जाएगा देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गई टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट तो ये क्लास आपको दो एंट्री पास करनी है एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन हॉल में अपनी कॉपी पे, 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 पे आपको ये दो एंट्री पास करनी है बस रिडम्पशन तो रिडम्पशन क्यों लिखा रहता है किस पे हो रहा है क्यों लिखा रहता है रिडम्पशन ताकि इशू की एंट्री में क्लास आप ये लिखो अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं ब्लू है ब्लू पेन से लिखना पूरा बट मैं तुम्हें सिखाने के लिए पढ़ाने के लिए समझाने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ आई होप अब आप समझ गए हो कि कभी भी रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो इश्यू की ड्यू की एंट्री में कर देना आप ऊपर नीचे अगर रिडीम पार पे हो रहा था फिर कुछ नहीं फिर तो इशू की एंट्री जैसे करते थे ना वैसे ही करते अगर ये पार पे हो रहा होता ना येलो कलर से मैं लिखता ही नहीं कुछ खत्म हो जाता मेरा क्वेश्चन ठीक है चलो नेक्स्ट ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल अनंत लिमिटेड ने इशू किया ऑफ ऑफ ईच एट प्रीमियम है टू थाउजेंड डिवेंचर्स है और इशू हुआ है क्लास छः परसेंट प्रीमियम पे सौ रुपए का डिबेंचर देख लेना कई बार डिवेंचर दो सौ का भी होता है सौ रुपए का डिवेंचरस है रेडीमेड प्रीमियम पांच परसेंट हुआ एक सौ पांच पे तो ये जो पांच रुपए प्रीमियम है मेरे दिमाग में घंटी बजेगी तुरंत क्या कि रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है उसका असर इशू के एंट्री में दिखेगा ये ध्यान रखना तो इशू की एंट्री क्या करोगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनंत लिमिटेड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट वन आएगा वन जीरो सिक्स इंटू टू थाउजेंड डिबेंचर टू लैख टाउजेंड टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड अगली एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11 परसेंट डिबेंचरस अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले मैं इशू की एंट्री पूरी कर दूंग, एक दूंगा एक लाइन छोड़ दूँगा मैं यहाँ पे, ताकि प्रीमियम भी लिख सकूँ छः रुपये का प्रीमियम है कितने डिबेंचर्स हैं टू थाउजेंड तो ये बनेगा टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड और ये होगा टू लैख ये बनेगा टू थाउजेंड इंटू सिक्स ट अब रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है उसको आप ऊपर लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना है क्लास पांच रुपए का टू थाउजेंड डिबेंचर टू थाउजेंड टू फाइव टेन थाउजेंड ये टेन थाउजेंड नीचे भी आ जाएगा ऊपर नीचे दोनों लिखना है बस प्रेजेंटेशन का फर्क है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ये हो गया क्लास क्वेश्चन अगर रिडम्शन प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू को आप डेबिट कर दोगे और प्रीमियम ऑन ऑफ रिडम को क्रेडिट कर दोगे बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है एंड नथिंग क्लास बात समझ नाउ मूव फॉरवर्ड क्लास एनअर क्वेश्चन क्वेश्चन इसको भी समझते हैं क्लास अच्छे से सात्विक लिमिटेड ने इशू किया फाइव थाउजेंड टेन परसेंट डिवेंचर ऑफ फाइव हंड्रेड इच ध्यान समझ रहे हैं यहाँ पे डिबेंचर पांच सौ का है प्रीमियम फिफ्टी है पर डिबेंचर रिडीमेबल एट आफ्टर फाइव तो पैसा लौटाया जा रहा है क्लास वो पाँच साल बाद लौटाया जा रहा है ठीक है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू दो सौ पेबल ऑन एप्लीकेशन क्लास एप्लीकेशन मनी कितने की है दो सौ की टोटल है पाँच सौ लेकिन प्रीमियम कितने का है क्लास जो इशू हो रहा है टोटल पाँच सौ का एक डिबेंचर है प्रीमियम है फिफ्टी रुपीज का ठीक है तो ये फाइव फिफ्टी हो गया तो फाइव हंड्रेड ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी तो फाइव हंड्रेड प्लस फिफ्टी तो मुझे बताओ क्लास यहाँ पे एप्लीकेशन पे दो सौ है तो अलॉटमेंट पे कितना होगा तीन सौ पचास भाई टोटल है 550 टोटल अमाउंट प्रीमियम है और एप्लीकेशन मनी है 200 तो अलॉटमेंट कितना हुआ क्लास ऑब्वियसली 350 तो 300 हंड्रेड प्लस फिफ्टी ये हो गया तो आपको चार एंट्री पास करनी है इस सिचुएशन में लेकिन आगे लिखा है अच्छा यहाँ पे कहीं भी रिडम्शन के बारे में नहीं लिखा कि रिडम्शन की एंट्री क्या होगी रिडम्पन किस पे हो रहा है ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है हाँ नहीं, नहीं लिखा है सॉरी रिडीमेबल एट पार लिखा है तो अगर रिडीम पार पे है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है नॉर्मल एंट्री कर दो इशू की रिडीम प्रीमियम पे होता है तब दिक्कत है पार पे क्या दिक्कत है कुछ नहीं लेकिन इसमें इन्होंने परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट पूछा है तो मुझे आपको डिवेंचर का अकाउंट भी सिखाना पड़ेगा क्योंकि क्लास कल को पेपर में आ सकता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने डिवेंचर्स हैं क्लास मुझे बताओ फाइव थाउजेंड डिबेंचरस हैं एप्लीकेशन है दो का ठीक है फाइव थाउजेंड इंटू टू हंड्रेड ये हो गया टेन लाख ये हो गया टेन लाख बैंक टू डिचर एप्लीकेशन अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टेन परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट ठीक है नरेशन सेम होगी नरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा टेन लाख टेन लाख ठीक है अब हम करेंगे क्लास किसकी अलॉटमेंट की एंट्री डिबेंचर्स अलॉटमेंट पेपर में क्लास फॉर्मेट बना हुआ आएगा मैंने बताया था आपको तो आप उसी में लिख देना डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू टेन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने का है क्लास यहाँ पे फाइव फिफ्टी थ्री फिफ्टी का है थ्री हंड्रेड फेस वैल्यू फिफ्टी प्रीमियम और कितने डिबेंचर हैं क्लास फाइव थाउजेंड डिबेंचर तो थ्री फिफ्टी इन थाउजेंड इवेंटीन लैख्टी थाउजेंड और ये आएगा क्लास पंद्रह लाख फिफ्टीन लाख ये आएगा ढाई लाख ठीक है पैसा आएगा बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा सेवनटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड लाख अब रिडमेशन पे पार है पार पे रिडीम हो रहा है ये सेवनटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है रिडीम पार पे हो रहा है तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर डीम प्रीमियम पे हो रहा होता तो फिर मैं इशू की जो एंट्री है न, उस ना उसमें सुनो ध्यान समझना मेरी बात यहाँ पे अगर रीम प्रीमियम पे हो रहा होता तो जितना पे है, दस रुपे, बीस रुपए पचास रुपए सौ रुपए जो भी है उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करता था, फाइव थाउजेंड से और एक जगह डेबिट करता लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट करता टू प्रीमियम ऑन ऑफ डिबेंचर बट सवाल क्या है यहाँ पे सर एप्लीकेशन की एंट्री या अलॉटमेंट किस में करेंगे तो क्लास इसमें कुछ भी नहीं कि आपको पता अलॉटमेंट की डेबिट में आता लॉस ऑन इशू ऑफ डिचर और जो भी प्रीमियम होता है वो इंटू पांच हजार डिवेंचर और नीचे आता टू प्रीमियम ऑन ऑनशन ऑफ डिवेंचर सर अभी तो आपने एप्लीकेशन में करवाया था इससे पिछले क्वेश्चन में देखो आप उसमें अलॉटमेंट थी ही नहीं तो मैं अलॉटमेंट में कैसे करा देता सर अगर किसी कॉल में किसी क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल होगी तो तो भी आप अलॉटमेंट पे करोगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं गिवन होता है तो प्रीमियम डिस्काउंट सब कुछ अलॉटमेंट भी तो करते हैं तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वगैरह भी सब अलॉट करते वक्त यानी अलॉटमेंट के टाइम पर हम लोग एंट्री करेंगे डेबिट में लॉस ऑन इशू क्रेडिट में प्रीमियम ऑन ऑनडमशन आई होप यही आपका डाउट रहा होगा अब इसमें अगर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट बनाए हैं हम लोग तो आराम से क्लास लाइस डिबेंचर अकाउंट बना लेंगे आप लोग फॉर्मेट बनाओ छोटा सा अकाउंट बनता है क्लास लाइस कोई बड़ा अकाउंट नहीं है बहुत सिंपल से अकाउंट बनेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है क्रेडिट डेबिट डिबेंचर्स अकाउंट ठीक है तो आपने परसेंटेज डिबेंचर की जितनी भी एंट्री में जिक्र किया है जहां जहां पे उसकी लेजर पोस्टिंग करने दैट सेट लाइक पहली एंट्री क्या है डिबेंचर एप्लीकेशन में टू परसेंट डिबेंचर तो परसेंटेज डिबेंचर में लिखोगे बाई डिबेंचर्स एप्लीकेशन टेन लाख, ठीक है नेक्स्ट है यहां पे अलाटमेंट में टू परसेंट डिबेंचर तो परसेंटेज डिबेंचर में पंद्रह लाख है ना क्रेडिट देखो अलॉटमेंट में टू परसेंट डिवेंचर तो परसेंटेज डिबेंचर में बाई अलॉटमेंट बाई डिवेंचर अलॉटमेंट हमेशा फेस वैल्यू आएगा बिकॉज परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है वो कितनी है पंद्रह लाख बस खत्म खत्म हो गया टू बैलेंस सीडी ठीक है तो इस तरीके से क्लास आपका पंद्रह लाख एरा दस लाख एरा ट्वेंटी फाइव लाख क्राइट हो गया ठीक है कोई डेट डली नहीं है अगर डेट डली होती तो हम डेट लिख देते कि भी किस डेट को कंपनी ने डिवेंचर ये करा है ओके तो आई होप क्लास ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया नाउ मूव टू एनदर क्वेश्चन तो कल को अगर आता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं अगर फर्स्ट कॉल होती तो बाईर फर्स्ट कॉल तो कुछ बच्चे इसका फॉर्मेट दिमाग में सेट कर लेते हैं जो जो इंस्टॉलमेंट होगा वो यहाँ पे लिखते चले जाएंगे नाउ मूव टू क्लास अनादर क्वेश्चन पायनियर फिटनेस लिमिटेड अच्छा क्वेश्चन है क्लास सीबीसी पेपर का इसमें लिखा है कि एक बिजनेस खरीदा हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड का हैविंग असर्ट ऑफ टेन लाख एंड लाइविलिटी वन सेवेंटी ठीक है और भाई ये सब कुछ इन्होंने इशू किया है तो इन्होंने क्लास कहीं भी लिखा नहीं है कि वैल्यू कितनी है इनके प्रॉपर्टी की तो इन्हों लिखा, इन्होंने कहा इशू किया इन्होंने एट थाउजेंड एट थाउजेंड डिबेंचर्स है सौ का एक है बट पाँच परसेंट प्रीमियम है रिडीम हो रहा है एक सौ दस में रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है बट उसकी एंट्री इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन ऑप्शन लिख देंगे हम लोग वो बात की बात है फिलहाल वो कह रहे हैं कि भाई तुम हमसे आठ हज़ार डिवेंचर ले लो सौ का एक है पर पाँच परसेंट प्रीमियम तो आठ हज़ार इंटू एक सौ पाँच ये हो गया क्लास आठ लाख चालीस हज़ार रुपये का फिर बाद में बोला क्लास एक चेक भी ले लो पचास हज़ार का तो टोटल इन्होंने जो परचेज कंसिड्रेशन है वो एट लाख नाइन्टी थाउजेंड का आ गया पीसी अच्छा क्वेश्चन था मिक्सअप क्वेश्चन है अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है ना आपने तब तक का मिक्सअप क्वेश्चन है तो इन्होंने क्लास को बुला के बिजनेस जो खरीदा है वो आठ लाख नौ हज़ार का खरीदा है तो आप एंट्री करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की एसेट है दस लाख टू लाइबिलिटीज टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट वन लाख सेवेंटी थाउजेंड टू किससे खरीदा है क्लास हेल्दी हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड आठ लाख नौ हजार तो दस लाख साठ हजार टेन लाख सिक्सटी थाउजेंड बन रहा है तो ऊपर सिक्सटी थाउजेंड कम पड़ रहा है तो अगर ऊपर जो भी बैलेंस कम पड़ता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं गुडविल अकाउंट के नाम से ब्रैकेट में बैलेंस तो ऊपर जो बैलेंस बच रहा है क्लास वो गुडविल है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज गुडविल दस लाख के एसेट खरीद रहे हैं साठ हजार की उसकी गुडविल भी हम लोग ले रहे हैं अच्छा अभी उन्होंने बोला है कि जो पेमेंट कर रहे हैं तो ध्यान समझना पेमेंट की एंट्री मैं एक ही एंट्री कर रहा हूँ आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो तो जो पहली एंट्री होगी पेमेंट की मतलब एक ही एंट्री कर रहा हूं मैं आप चाहो दो भी कर सकते हो हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड कितना देना है क्लास एट लाख नाइनटी थाउजेंड देना है टू बैंक चेक से दे दिया आपने कितना फिफ्टी थाउजेंड ना फिफ्टी थाउजेंड टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट आप डिबेंचर दे रहे हो और वो भी प्रीमियम पे तो नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा ठीक है तो आठ हज़ार डिबेंचर है पाँच रुपये का प्रीमियम है सौ रुपये का परसेंटेज डिबेंचर कितने डिबेंचर से एट थाउजेंड एट थाउजेंड इंटू हंड्रेड एट लाख एट थाउजेंड इंटू फाइव एक सेकेंड ये आठ हजार इंटू एक सौ पाँच एट लाख फोर्टी थाउजेंड होगा ना एट थाउजेंड इंटू फाइव फोर्टी थाउजेंड होगा प्रीमियम ना गलती से फिफ्टी लिख रहा था मैं फिफ्टी थाउजेंड का जो चेक है तो फोर्टी थाउजेंड का प्रीमियम हो गया एट तो नाइन्टी 890, नाइनटी मैच हो गया सब कुछ हमारा काम हो गया जी सर हो गया अब रिडमशन पे जो प्रीमियम है वो कितने रुपए का प्रीमियम है क्लास रिडीम 110, सौ ही है ना फेस वैल्यू तो हंड्रेड है रिडीम तो में हो रहा है तो टेन रुपीज ऊपर लिख लो टेन रुपीज नीचे लिख लो और डिवेंचर कितने हैं क्लास आठ हजार डिवेंचर है 8, अच्छी बात है डिवेंचर भी इसमें दे रखा है हमें तो ऊपर किस नाम से आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ दस रुपए का आपका प्रीमियम हो गया, गया अगर, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि रिडीम पार पे हो रहा है तो हम ये कुछ भी नहीं करते सिर्फ ये एंट्री व्हाइट कलर में जो लिखा है खत्म रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो उसका असर यहाँ है तो ये ये हमें दिक्कत नहीं देता एक, एक एक्स्ट्रा काम जो एक्जिस्टिंग कैलकुलेशन पे कोई छेड़खानी नहीं बस ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो दिमाग में ध्यान रखना रिडीम प्रीमियम हो रहा है तो इशू की एंट्री में करनी है इस एंट्री में तो कर नहीं सकते हमेशा परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री जो होती है ना उसी में हमें करना होता है जिसमें हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं और दो इंस्टॉलमेंट है तो एक काम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में अगर एक ही इंस्टॉलमेंट है तो एक काम आपको एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री में करना पड़ेगा ड्यू की एंट्री में राइट तो अगर कोई बच्चे से अलग अलग करता तो वो हेल्थी वर्ल्ड को सबसे पहले पचास हज़ार दे देता फिर जो आठ चालीस है उसकी एंट्री करते आप और यहाँ पे ऊपर नीचे लिख देते जो पचास हज़ार आप दे देते नगद उसमें थोड़ी लॉस ऑन इशू आता लॉस ऑन इशू तो इसमें आता जब डिवेंचर इशू कर रहे हो आप ठीक है तो आप अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग, अलग भी करके देख सकते हो तो ये क्वेश्चन नोट कर लो क्लास ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आप सबको पता है कि डिबेंचर्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से डिबेंचर होल्डर जिन लोगों ने डिबेंचर्स को रख रखा है उन्हें हमें हर साल हाफ ईयरली क्वार्टरली कैसे भी जैसे कंपनी की मर्जी वो इंटरेस्ट पे करेगी तो उस इंटरेस्ट को कैसे पे करेगी उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी उसकी जर्नल एंट्री कैसे हम लोग बनाएंगे उसको आज हम अच्छे सीखेंगे विद ए क्वेश्चन ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पे लगता है एग्जाम्पल कंपनी ने हजार डिबेंचर्स इशू किया है एट द रेट हंड्रेड इच ठीक है अब ये कंपनी इशू चाहे पार पे करे चाहे 110 यानी प्रीमियम पे करे चाहे नब्बे पे रिडीम चाहे पार पे हो चाहे प्रीमियम पे हो या पार पे बिकॉज प्रीमियम कुछ भी हो सकता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी ने किस पर इशू किया किस पे रिडीम किया क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करेगा इधर उधर की बात बता के तुम्हें कोई मतलब नहीं है भैया कि ये इश्यू किस पे हुआ है तुम्हें सिर्फ कितने डिबेंचर से हजार एक की कीमत कितनी है सौ तो जो अमाउंट कितना बनेगा एक लाख इस एक लाख रुपए पे हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी मंथ के हिसाब से छह महीने में दे रहे हैं तो सिक्स बाय ट्वेल्व नाइन महीने में दे रहे हैं तो नाइन बाई ट्वेल्व ठीक है तो आपने इशू किस पे किया रिडीम किस पे किया कभी भी इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की कैलकुलेशन में राइट सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिबेंचर होल्डर को पे करना ही करना है कंपनी ने कंपनी पे करेगी डिबेंचर होल्डर्स को भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो लॉस हो कम प्रॉफिट हो ज्यादा प्रॉफिट हो कोई मतलब नहीं इट इज अ फिक्स्ड ओब्लीगेशन ये फिक्स्ड ओब्लीगेशन है मतलब क्लास फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही देना मतलब ये फिक्स है देना ही देने से फिक्स ओब्लीगेशन भी बोलते हैं और ये क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है उसमें यह एक हेडिंग के अंदर आता है फाइनेंस कॉस्ट ठीक है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जाता है तो ये सारी बातें हो गई क्लास इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स की जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लास ये आपको फेस वैल्यू पे पे करना होता है अब इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं टीडीएस को हटा के आपके सिलेबस में टीडीएस नहीं है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस वो है नहीं तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे अगर तुम्हें क्लास एक्स्ट्रा जानना है तो मुझे बता देना मैं किसी वीडियो में बता दूंगा बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है स्पेशल इन दिस ईयर ठीक है तो आप एंट्री क्या करोगे सबसे पहले एंट्री होगी सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लेना कि इंटरेस्ट जो है आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपको बता दिया फेस वैल्यू पे परसेंटेज लगा देना अगर कभी लिखा रहा है नाइन परसेंट डिबेंचर तो वो नाइन परसेंट इंटरेस्ट है टेन परसेंट डिबेंचर तो वही टेन परसेंट इंटरेस्ट का रेट है ठीक है तो एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट लिख देना बिंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स ठीक है फिर अगली एंट्री पहली एंट्री तो ये होगी हो दूसरी एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट और दूसरी एंट्री है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बींग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स ठीक है आपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया अब साल के एंड में 31 मार्च जो भी ईयर बनता है उसके एंड में आपको इसी इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस के अकाउंट में भेजना है तो आप एंट्री क्या पास करोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिपेंचर्स तो इस तरीके से क्लास आपको एंट्री पास करनी है तीन एंट्री होती है पहली इंटरेस्ट को ड्यू करने की फिर इंटरेस्ट को पेमेंट करने की अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि कंपनी साल में दो बार इंटरेस्ट पे करती है साल में दो बार तो आपको यही जो दोनों एंट्री ना ड्यू और पेड की वो टू टाइम्स करनी पड़ेगी सेम एंट्री अगर बराबर, बराबर बराबर पे करती है तो लेकिन 31 मार्च में आप पी एन बार बनाते हो भले आप साल में इंटरेस्ट दो बार पे करो बट प्रॉफिट लॉस आप साल में एक ही बार बनाते हो तो स्टेटमेंट ऑफ पेंड अकाउंट डेबिट टू डिचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एंड डिवेंचर ये एक ही बार होगी बस दोनों अमाउंट मर्ज हो जाएगा मान लो एक साल का पचास है दो साल का एक लाख सॉरी छह महीने का अगर पचास है तो साल भर का वन लाख होगा और ये पूरा वन लाख यहां जाएगा बींग इंटरेस्ट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पी तो उस इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ पी एल में हमने भेज दिया तो ये एंट्री है तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है पहला ड्यू की एंट्री दूसरा पेमेंट की एंट्री आपने इलेवेंथ क्लास से ही पढ़ रखा हुआ क्लास इंटरेस्ट की पेमेंट इंटरेस्ट टू बैंक होती है यहां भी वही करी है आपने इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक बस ये डिबेंचर होल्डर डिबेंचर होल्डर कैंसिल हो जाएगा डेबिट क्रेडिट तो कैंसिल हो जाता है आपको पता ही है क्योंकि यहाँ पे पहले हम डिबेंचर होल्डर को ड्यू करते हैं फिर पे करते हैं डायरेक्टली पे नहीं करते इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिबेंचर होल्डर डिबेंचर होल्डर तो टू बैंक अकाउंट फिर इस इस एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस में भेजते हैं स्टेटमेंट ऑफ पेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो ये है पूरी कहानी इस टॉपिक के आज के टॉपिक की तो अभी तक जितनी भी एंट्री बताई ना अच्छे से बीच बीच में रिवाइज करते रहे का कॉपी पर लिख के कि भाई चले आगे चलो और पुराना भूल जाओ समझ रहे हो नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये आपने कर लिया नेक्स्ट एक क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के टॉपिक को अच्छे से समझते हैं पूरा का पूरा तो इसमें लिखा है क्लास सत्यम लिमिटेड इशू करती है टेन थाउजेंड टेन परसेंट डिबेंचर ऑफ हंड्रेड इच कितने डिबेंचर है टेन थाउजेंड हंड्रेड का ईच है तो जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा टेन लाख तो कंपनी रेज कर रही है दस लाख रुपए

एक चार बाईस ना तीस सितंबर बाईस को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट फिफ्टी थाउजेंड इंटरेस्ट था पहले छह महीने का फिर अगली एंट्री सेम डेट पे डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना क्लास हो गया फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड ठीक है फिर थर्टी फर्स्ट मार्च को एक एंट्री होगी फिर से इंटरेस्ट ऑन डायरेक्शन लिख देना बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बिंग इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड ठीक है और अगली एंट्री सेम डेट को होगी सेम डेट को डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड इकतीस मार्च बाईस को फिर एक आखिरी एंट्री और होगी इकतीस मार्च बाईस को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अब क्योंकि आप साल में दो बार पे कर रहे हो इंटरेस्ट बट प्रॉफिट लॉस तो साल में एक बार बनता है अब भले ही एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी दो बारह महीने तक बट पी एंडल अकाउंट तो एक ही बार बनेगा ना तो फिफ्टी थाउजेंड प्लस फिफ्टी थाउजेंड जो प्रॉफिट लॉस में जाएगा वो पूरा एक लाख जाएगा उसमें कोई कमी नहीं होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा एक लाख आपने भेजना है तो ये है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का टॉपिक आपको एंट्री याद रखनी है पहली दूसरी और ये तीसरी बस इससे ज्यादा अलग नया कुछ इसमें इन्वेंशन नहीं कर सकता टीचर ये हो सकता है कि इसे किसी मिक्स क्वेश्चन में दे दे तो मैं आपको आगे मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा जहाँ पे इंटरेस्ट भी होगा और बाकी एंट्री भी होंगी बट कैलकुलेशन वही है फेस वैल्यू पे और मान लो साल के बीच में अगर डिबेंचर इशू किया है तो फिर छह महीने का आपको इंटरेस्ट देना है तो जिस दिन डिबेंचर इशू किया तब से लेके एंड तक का तो यहाँ पे साल के शुरू में ही इशू कर दिया था

अगर कोई डिबेंचर हंड्रेड का है लेकिन इशू हुआ है 90 पे ठीक है ये की कंडीशन है और मान लेता हूं एक ही डिबेंचर है वो रिडीम हो रहा है क्लास प्रीमियम पे 105, 100 प्लस पांच ठीक है तो कंपनीज एक्ट कहता है कि इस ये जो है, इसको क्या बोलते हैं क्लास डिस्काउंट ऑन इशू इसको क्या बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू कितना डिस्काउंट है क्लास दस रुपए का कितने डिबेंचर है एक तो दस रुपए का हो गया डिस्काउंट ऑन इशू और रिडम्शन पे जो प्रीमियम है इसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू आप एंट्री करोगे ना तो लॉस ऑन इशू लिखते हो एक डिबेंचर है पांच रुपए का एक तो क्लास हो गया पांच रुपए ठीक है तो ये जो डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू है या ये जो लॉस ऑन इशू है या दोनों को कंबाइन मिला के फिफ्टीन रुपीज मान लो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू दोनों को मिलाकर इसे हमें सेम ईयर में राइट ऑफ करना

पहले एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट किसी चीज़ को खत्म करना मतलब क्या होता है उसके बैलेंसेस को कैंसिल कर देना डेबिट का क्रेडिट क्रेडिट का डेबिट अगर कोई चीज़ डेबिट है उसे आप क्रेडिट कर दोगे तो वो ख़त्म हो गया ठीक है सेम अमाउंट से तो पहले एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन नाइन्टी एक ही डिबेंचर है नाइन्टी अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ठीक है टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट और डिस्काउंट में इशू हुआ है तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट तो ये हो गया नाइन टेन हंड्रेड पर रिडीम अगर प्रीमियम पे हुआ है तो यहाँ पे क्लास क्या आ जाएगा लॉस ऑन ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन आप यही एंट्री करते हो ना इशू की पांच रुपए पांच रुपए तो ये दोनों चीजें आपने क्या करी है क्लास डेबिट अब इन दोनों चीजों को खत्म करना है सेम ईयर जिस साल आप क्लास डिवेंचर को इशू कर रहे हो भले ही आप रिडीम करो क्लास चार साल बाद पाँच साल बाद या हर साल थोड़ा थोड़ा सा रिडीम करो उसी समय मतलब नहीं है टॉपिक क्या कहता है क्लास कि जो डिस्काउंट ऑन इशू है या जो लॉस ऑन इशू है इन दोनों को हमें राइट ऑफ करना है सेम ईयर में तो सर ये तो हमें पता था अब राइट ऑफ करेंगे कैसे ध्यान से देखना किसी डेबिट की चीज़ को अगर राइट ऑफ करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा तो इन दोनों को क्रेडिट करेंगे हम लोग टू डिस्काउंट ऑन इशू टू लॉस ऑन इशू अगर जिन बच्चे ने जिस बच्चे ने इन दोनों को एक साथ डेबिट किया होगा तो वो डिस्काउंट और लॉस 15 लिखा होगा तो हम नीचे लिख देंगे डिस्काउंट और लॉस 15। तो बात बराबर है जैसे आपने डेबिट किया वैसे क्रेडिट कर दो तो ये हो गया क्लास हमारा राइट ऑफ लेकिन सर आपने क्रेडिट तो ये लिख दिया ठीक है राइट ऑफ करेंगे डेबिट की चीज़ को क्रेडिट कर दिया तो इसका बैलेंस इसका बैलेंस कैंसिल तो जिसके बैलेंस कैंसिल हो जाते हैं वो ट्रायल बैलेंस तक नहीं पहुँचते और जो ट्रायल बैलेंस तक नहीं पहुँचते तो फिर क्लास वो बैलेंस शीट तक जाने का मतलब ही नहीं है ठीक है अगर मैंने मान लो राम से उधार लिया और राम को पेमेंट कर दिया तो वो क्लास राम बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा फिर बिकॉज हमारा सेटलमेंट हो चुका है तो उसी तरीके से क्लास ये दोनों डेबिट हो गया ये दोनों क्रेडिट हो गया तो नेट इफेक्ट कैंसिल जीरो फिर आपको कुछ नहीं करना बट सवाल सर ये है कि ये जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है आपने क्रेडिट तो लिख दिया डेबिट क्या करोगे तो कंपनीज एक्ट कहता है क्लास इसको सबसे पहली जो प्रायरिटी है वह है क्लास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो तुम्हारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हुआ है पहले तुम उसको उठा लो उससे राइट ऑफ करो अगर सब कुछ राइट ऑफ हो जाता है तो वेल एंड गुड अगर नहीं हो पाता फिर क्लास तुम्हारी मजबूरी है फिर तुम बाकी बैलेंस कहाँ लोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से तो यानी कि रूल सिर्फ इतना सही है कोई कैपिटलिज्म नहीं कोई कुछ नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी पीएम सेकंड प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दैट्स इट ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू को सेम ईयर में राइट ऑफ करना है अगर वो क्वेश्चन में अराइज हुआ तो आपको सेम ईयर में राइट ऑफ करना है राइट ऑफ करने के लिए आप सबसे पहले देखोगे एस अगर एस में बैलेंस है तो सारा उसी से राइट ऑफ कर दोगे नहीं है तो बाकी चीजें स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल से ले लोगे अगर मान लो एसपीआर है ही नहीं क्वेश्चन में तो फिर आप क्या करोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दैट्स इट यही है टॉपिक सब कुछ यही है एंड ये सारा खत्म राइट आई होप क्लस आप ये समझ गए किस तरीके से इसको राइट ऑफ करना है यही था टॉपिक इतना ही क्लास आपको समझना था अब क्योंकि ये चीज राइट ऑफ हो गई तो बैलेंस शीट में जाएगा नहीं पर हम इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे वो हम समझेंगे कि हम इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे ठीक है तो आगे क्या लिखा है क्लास डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इट इज अ कैपिटल लॉस देखो ये रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला कोई आम नुकसान नहीं है ये कभी कभी होने वाला जो है कैपिटल लॉस है कैपिटल नेचर का है इट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड जिस साल क्लास आपका लॉस ऑन इश्यू या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हुआ है आप उसी साल इसे राइट ऑफ कर दो

इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट राइट चलो अब अगर बात करें इसके अकाउंट की इसका अकाउंट कैसे बनता है वो सीख लेते हैं फिर क्लास इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिस भी टाइप के वो बना के खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्लास में अकाउंट बना रहा हूं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का देखना भी डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट कैसे बनता है बहुत छोटा छोटा अकाउंट बनता है क्लास इस तरीके से यहाँ पे भी क्लास तीन चार लाइन बहुत है इसके लिए

तो आपने लिख दिया टू प्रीमियम अभी से राइट ऑफ करेंगे दो चीज़ से सबसे पहला भाई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अगर आपके पास बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम में तो और अगर है तो खाली सिक्योरिटी प्रीमियम और टोटल कर देना ख़त्म हो जाएगा लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो मजबूरी में क्लास आपको लेना पड़ेगा क्या बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल तो बाई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये हो गया नेक्स्ट है क्लास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट वो भी कैसे बनेगा वो भी बहुत सिंपल है बस इतना ही है मैक्सिमम वो भी बहुत सिंपल है तो आप जरा ये देखो आप डिस्काउंट की एंट्री क्या करते हो बैंक सॉरी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर तो डिस्काउंट में आपने क्या लिखा है टू परसेंटेज डिबेंचर तो डिस्काउंट में है लिख दो टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट इतना ही फर्क है क्लास लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू में ये राइट ऑफ होगा किससे सिक्योरिटीज प्रीमियम से और ये राइट ऑफ होगा किससे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, से ठीक है भाई ये हो गया आपका तो ये हो गया क्लास कंप्लीट तो ये लॉस ऑन में आता है टू प्रीमियम ऑन एडम्पन डिस्काउंट ऑन इशू में आता है टू डिबेंचर राइट ऑफ करने के लिए पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल ये हो गया क्लास आपका अकाउंट और एक आपको सिंपल सी एंट्री याद रखनी है जी हो गया ये टॉपिक पूरी तरीके से इसका दी एंड समझ गए बात को आई होप अब आपको ये पूरी तरीके से अच्छे से समझ आ गया होगा नाउ नाउ क्लास कुछ क्वेश्चन हैं उनको बनाते हैं एक एक करके हर एक टाइप के क्वेश्चन अच्छे समझते हैं और हाँ रिडीम कितने साल बाद भी कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है डिस्काउंट और लॉस को सेम ईयर रिटर्न ऑफ करना है और क्वेश्चन तुमको बोलेगा कि इसकी एंट्री पास करो राइट right ऑफ की जैसे 17 में राजा लिमिटेड ने इशू किया फोर लाख रुपीज़ देखो ये रुपीज़ है डिबेंचर्स एट डिस्काउंट ऑफ 5 परसेंट मैं इसमें कहीं भी फेस वैल्यू दिया नहीं है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ बिना फेस वैल्यू लिए भी वैसे कर सकते हो बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो फेस वैल्यू है वो हंड्रेड है तो चार लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं क्लास टेन परसेंट डिबेंचर्स तो इस तरीके से डिबेंचर्स कितने हैं फोर थाउजेंड डिबेंचर्स कुल मिला के फोर थाउजेंड डिबेंचर्स है एट द रेट हंड्रेड ईच और डिस्काउंट है पाँच परसेंट तो आपने जो इशू किया है वो नाइन्टी फाइव में किया है हंड्रेड माइनस फाइव ठीक है कुछ बच्चे करते हैं सीधे इसका नाइन्टी फाइव परसेंट निकाल लेते हैं तो भी एक ही बात है सेम ही आएगा आप आंसर आप इसका नाइन्टी फाइव परसेंट निकालो चलो नाइन्टी फाइव परसेंट मत निकालो वो कॉम्प्लिकेटेड है आप इसका पाँच परसेंट निकाल के माइनस कर दो चार लाख का फोर लाख का फाइव परसेंट कितना बनता है ट्वेंटी थाउजेंड तो थ्री एटी थ्री लाख एट्टी थाउजेंड रुपीज आपके पास आएगा द टर्म्स इशू चार साल बाद ये पारपे लौटाएंगे राजा लिमिटेड के पास बैलेंस एट थाउजेंड एंड सिक्योरिटी करनी है और राइट ऑफ की भी एंट्री करनी है, है। मान लो इस क्वेश्चन में इशू की एंट्री नहीं करवाता क्वेश्चन राइट ऑफ की एंट्री कराता तो पता मैं क्या करता चार लाख का पांच परसेंट कितना बन गया बीस हजार इसको राइट ऑफ करना है तो मैं क्या करता एस पी अकाउंट डेबिट मैं करता सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना प्रीमियम था आपके पास एट थाउजेंड पूरा यूज कर लो आठ हज़ार पूरा खत्म कर दिया एट थाउजेंड पूरा यूज़ हो गया ठीक है उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पी एल में आएगा बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल अकाउंट डेबिट वो आएगा ट्वेल्व थाउजेंड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो कितने का है क्लस ट्वेंटी थाउजेंड का ये हो गया आपका पूरा का पूरा काम खत्म इतनी चीजें आपको करनी थी अगर तुमसे इशू की एंट्री नहीं मांगता तो इतना ही करना था बट तुमको इशू की एंट्री भी मांगा है और रिडीम पार पे है तो लॉस ऑन इशू तो आएगा ही नहीं अगर रिडीम पार पे है सिंपल तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट तो बैंक में आएगा नाइनटी और कितने डिबेंचर्स हैं क्लास 4000 थाउजेंड डिबेंचर नहीं तो आप सीधे 4 लाख का 95 परसेंट निकाल के देख लो तब भी बात बराबर है आंसर सेम आएगा तो 4000 थाउजेंड इंटू नाइन आई नो 380 एटी आना है आ गया 380 जो पूछा है वो करना पड़ेगा एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ना लास्ट तक बैंक टू तो डिबेंचर एप्लीकेशन अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट थ्री लाख एटी थाउजेंड डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड टू टेन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट फोर लैख अगर आप फिगर अमाउंट मल्टीप्लाई करके करना चाहो तो नाइन्टी फाइव यह फाइव रुपीज़ का यह हंड्रेड है और डिबेंचर्स कितने हैं क्लास फोर थाउजेंड तो ये हो गया आपका इशू की एंट्री दो एंट्री एक इंस्टॉलमेंट है और ये हो गया क्लास आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से और डिस्काउंट डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री ठीक है सेम ईयर में राइट ऑफ कर दिया आपने मतलब यहाँ ये चीज़ डेबिट हुई यहाँ ये चीज क्रेडिट हुई बैलेंस खत्म और पैसा निकल गया सिक्योरिटी प्रीमियम से और आपने जो पैसा कम पड़ रहा था वो आपने प्रॉफिट लॉस में डाल दिया मतलब एक्सपेंस दिखा दिया उसको ठीक है तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है रिडीम भले ही चार साल बाद हो पाँच साल बाद हो नो मैटर ठीक है नाउ ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और इसमें क्लास हमें जर्नल एंट्री भी करनी है राइट ऑफ की सिर्फ राइट ऑफ की ठीक है इसमें इशू की एंट्री नहीं करनी सिर्फ राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी बनाना है क्लास पहले पर्ची बना के डाल के पहले किसी को पेमेंट करेंगे फिर दूसरे को ऐसे चार बार पेमेंट करेंगे और तीसरे साल के शुरू से ये लोग शुरू करेंगे ऐसा मतलब मैंने आपसे उधार ले लिया मान लो चार लाख तीन साल बाद मैं आपको एक लौटा दूंगा फिर अगले साल एक लौटा दूंगा फिर अगले साल ऐसे करके मतलब ये जो लौटाने का सिलसिला चालू होगा ना वो तीन साल बाद चालू होगा एट अ प्रीमियम ऑफ नाइन पर शेयर ठीक है और इशू किस पे हो रहा है क्लास पार पे ऑब्वियसली यहाँ पे इशू के बारे में लिखा नहीं है जहाँ नहीं लिखा होता वो पार तो इस हिसाब से तुम्हारे पास जो लॉस ऑन इशू आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आएगा वो नौ रुपए का रिडम्पशन पे प्रीमियम है इंटू टेन थाउजेंड नाइन इंटू टेन थाउजेंड इट मीनस नाइनटी थाउजेंड रुपीज ग्लोबल so लिमिटेड ने इशू किया टेन थाउजेंड एट परसेंट डिबेंचेस ऑफ हंड्रेड इज रिडीमेबल इन फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट बाय बाई ऑफ लॉट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द द्री इयर्स एट ऑफ नाइन पर नाइन परस का क्लास क्या है प्रीमियम है तो यानी कि नाइनटी का लॉस ऑन इशू आएगा अगर हम एंट्री इशू की करते तो उसमें लॉस ऑन इशू नाइन्टी और नीचे प्रीमियम ऑन एडम्पशन नाइन्टी कर देते और इस क्वेश्चन में क्लास आपको सिर्फ राइट ऑफ करने की एंट्री बोली यहाँ पे कहीं भी मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस नहीं दिख रहा है तो सिंपली मैं इसको राइट ऑफ किससे करूंगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ठीक है लॉस है डिस्काउंट ऑन इशू नहीं है तो बीइंग नरेशन के लिए हो गए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ नरेशन बहुत देख लो सिंपल है हर क्वेश्चन में यही होगा हर क्वेश्चन में और डिटेल लिखना चाहते हो तो फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख लो फ्रॉम एस पी आर एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख लो जो भी तुम लिखना चाहो लिख लो उसमें नंबर नहीं कटते अब सर लॉस ऑन इशू ऑफ अकाउंट बनाना है तो अभी सिखाया था आपको अभी सिखाया था अकाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट हमने आपको सिखा दिया था लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट तो लॉस में आप क्या लिख दोगे टू प्रीमियम और रिडम्पशन लॉस किसकी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने रिडम्पशन पर प्रीमियम दिया है कितने का प्रीमियम है नाइन्टी थाउजेंड का इसको राइट ऑफ करोगे बाई साइड किस चीज किस चीज़ से राइट ऑफ करोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कितना अमाउंट है नाइन्टी थाउजेंड डेबिट क्रेडिट मैच हो गया नाइन्टी नाइन्टी ये हो गया आपका डन तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे आपको एंट्री बनानी है कैसे आपको अकाउंट बनाना है आपको अच्छे समझ आ गया होगा क्लास और नोट भी आपने कर लिया होगा कुछ बचता है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आते हैं ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है

इशू किस पे हो रहा है नहीं लिखा तो इशू पार पे हो रहा है रिडीम हो रहा है फाइव परसेंट प्रीमियम पे अगर आप फाइव परसेंट प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो उससे लॉस ऑन इशू जनरेट हो जाएगा कितना हंड्रेड फेस वैल्यू है फाइव परसेंट मतलब पाँच रुपये का प्रीमियम कितने डिबेंचर्स हैं छः हज़ार हैं सिक्स थाउजेंड तो सिक्स इंटू फाइव कितना हो गया थर्टी थाउजेंड यानी कि हमें थर्टी थाउजेंड जो है उसे राइट ऑफ करना है थर्टी थाउजेंड रुपीज लॉस ऑन इशू में है हमें उसे राइट ऑफ करना है तो कैसे करेंगे राइट ऑफ सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेंगे कितना बैलेंस है टेन थाउजेंड पड़ा हुआ है नहीं तो सारा स्टेटमेंट ऑफ पी एल से राइट ऑफ करते दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पी एल स्टेटमेंट ऑफ पी अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पी एल अकाउंट डेबिट टू तो ये होगा टेन थाउजेंड सिक्योरिटी पे हम टेन थाउजेंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्लास कितना आएगा बैलेंस ट्वेंटी थाउजेंड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट थर्टी थाउजेंड अगर आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाओगे तो एस पी आर से कितना राइट ऑफ करोगे टेन थाउजेंड और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ट्वेंटी थाउजेंड अगर आप अकाउंट बनाते हो यहाँ आता प्रीमियम ऑन रिडम्पन तो तुम्हें अकाउंट और एंट्री मुझे लगता है मुंह जबानी अभी तक अच्छे से याद हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन क्लास पेपर में आते हैं कई बार यही क्वेश्चन क्वेश्चन एक बड़े का हिस्सा भी बन जाता है मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा भी हो सकता है, कि बड़े का बन जाए। जैसे है। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें अच्छे से बनाते हैं क्या पूछा ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई टू पैंथर लिमिटेड ने इशू किया ट्वेंटी किया है 20000 9% डिबेंचर्स यानी हर साल डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 9% मिलेगा ठीक है जी हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो ऑलरेडी पढ़ लिया है अच्छे से और टीडीएस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है आगे लिखा है कि डिबेंचर्स इशू uh, किया एट 8% प्रीमियम तो ये डिबेंचर 108 का इशू हुआ है बिकॉज़ रुपए का क्या है क्लास प्रीमियम है तो पैंथर लिमिटेड इशू किया है 20000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 8% प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम 15% रिडीम तो हो रहा है 115 पे रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15 परसेंट इन फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग द एंड ऑफ द थर्ड ईयर तो तीसरे साल के बाद थोड़ा लौटा देंगे फिर थोड़ा लौटा देंगे फिर थोड़ा लौटा देंगे थोड़ा थोड़ा करके क्लास हमें चार इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है

एक अप्रैल 2022 से थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 तक जितनी भी एंट्री हो सकती है आप पास करो ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ठीक है तो हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का भी अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में हम अगर देखें तो सबसे पहले हमें इशू की एंट्री पास करनी पड़ेगी एक जुलाई दो को तो एक जुलाई दो को आप इशू की एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ठीक है टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट और क्योंकि ये प्रीमियम पर इशू हुआ है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट गया हंड्रेड योग वन जीरो एट ये हो गया वन जीरो एट एट और आगे लिखा है क्लास यहां पे इश्यू नाइन परसेंट डिबेंचर्स तो नाइन परसेंट डिबेंचर्स ठीक है नाइन परसेंट डिबेंचर्स कितने डिबेंचर्स हैं क्वेश्चन के अंदर ट्वेंटी थाउजेंड डिबेंचर्स हैं तो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन जीरो टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड एक सेकेंड एक सेकेंड ट्वेंटी लाख आएगा ना ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन जीरो ऐट ट्वेंटी थाउजेंड वन जीरो आएगा इक्कीस लाख साठ हज़ार ना एक ज़ीरो और लगेगा इक्कीस लाख साठ हज़ार आएगा बीस लाख और ये आएगा क्लास कितना ट्वेंटी थाउजेंड इंटू एट वन सिक्सटी ये होगा बिकॉज आपने इशू जो किया है वो एट परसेंट प्रीमियम पर इशू किया वन जीरो एट ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन जीरो एट इट्स ट्वेंटी वन लाख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अच्छा अब इसके बाद क्लास अब इसके बाद आगे लिखा है कि रिडीम हो रहा है पंद्रह परसेंट प्रीमियम पे तो पंद्रह रुपये प्रीमियम है मतलब तो ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा ट्वेंटी थाउजेंड डिबेंचर्स और पंद्रह रुपये का प्रीमियम है तो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू फिफ्टीन कर दो थ्री लाख ऊपर किस नाम से आता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट थ्री लाख और नीचे किस नाम से आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ये भी कितना आएगा थ्री लाख लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट लॉस ऑन इशू डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर क्लास ये क्रेडिट हो जाएगा तो ये इशू की एंट्री हो गई एक जुलाई दो हजार बाईस को उसके बाद आप क्या करोगे ये जो लॉस ऑन इशू है हमेशा राइट ऑफ करना है अब अब जितनी भी एंट्री होंगी ना इकतीस मार्च की एंट्री होंगे। सब सबसे पहले इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यही करी थी इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिचर होल्डर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अब कितने डिबेंचर हैं क्लास क्वेश्चन में ट्वेंटी थाउजेंड डिवेंचर्स मैंने आपको जब पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो मैंने बताया था हमेशा हमेशा फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है डिवेंचर की फेस वैल्यू अभी फेस वैल्यू कितनी है क्लास हंड्रेड और इंटरेस्ट रेट कितना है नाइन परसेंट ठीक है तो ये हो गया क्लास फेस वैल्यू और इंटरेस्ट रेट नाइन परसेंट लेकिन तुम्हें सिर्फ नाइन मंथ का ही इंटरेस्ट देना है तो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड तो ये हो गया ट्वेंटी लाख ट्वेंटी लाख का नाइन परसेंट और नाइन मंथ्स का इंटरेस्ट देना जो कि बनेगा वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड साल भर का इंटरेस्ट नहीं देना है नाइन मंथ्स का ही इंटरेस्ट देना है वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड ये ड्यू बींग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ड्यू ड्यू टू डिचर होल्डर बींग इंटरेस्ट पेड टू डिचर होल्डर मतलब ये आप पेड कर रहे हो तो बिंग लगा के पेड लिख दो या बिंग लगा के ड्यू लिख दो बिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू बिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड टू डिचर होल्डर अब इसी 31 मार्च 2023 को सारी एंट्री करनी इस डेट पे जो भी एंट्री होगी एक एंट्री करनी आपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल अकाउंट डेबिट वन लैख थर्टी फाइव स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है उसको आपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल भेज दिया फाइनेंस कॉस्ट होती है बताया था ना तो आपने इसको पीएनएल के अंदर भेज दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया कि भैया ये इंटरेस्ट आपका नुकसान हो गया लॉस हो गया एक्सपेंस दिखा दो एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट साइड अब 31 मार्च 2023 को एक एंट्री और करनी है ये जो आपका इश्यू करते वक्त ये लॉस ऑन इश्यू आया है ना डिस्काउंट तो है नहीं इस क्वेश्चन में लॉस ऑन इश्यू आया है हमें बैलेंस अवेलेबल था चेक करो सर एटी हमारे पास एस शुरू में अवेलेबल था एटी बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 था फिर आपने इशू भी इस क्वेश्चन में प्रीमियम पे किया है तो 160 और आ गया आपके पास 160 और आपने एक प्रीमियम पर इशू किया है ना तो फिर से 160 आ गया तो इसको भी कंसिडर करोगे तो आपके पास एस कितना पड़ा हुआ है टू लाख फोर्टी थाउजेंड पड़ा हुआ है लेकिन जो लॉस ऑन इशू है वो कितने का है क्लास यहाँ पे लॉस ऑन इशू जो है वो तीन लाख का है तो हम क्या करेंगे बाकी स्टेटमेंट ऑफ पीरियडल से लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 240 कई बच्चे 80 ले लेते हैं इसको भैया है. 160 जो आपने प्रीमियम पर इशू किया वो भी तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गए एक जुलाई को ही आ गया था राइट ऑफ करोगे 31 मार्च को राइट ऑफ करोगे 31 मार्च को प्रीमियम कब आ गया था एक जुलाई को नौ महीने पहले आ गया था आपके पास प्रीमियम तो वो एड कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट वो सिक्सटी बैलेंस ले लोगे ठीक है टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट थ्री लाख तो हो गया राइट ऑफ अन्नाशन क्या लिखोगे बीइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ ठीक है अच्छा क्वेश्चन कहता है कि अभी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट भी बना लो तो बना लेते हैं कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं उसका अकाउंट बना लेंगे तीन लाइन का अकाउंट बनेगा टोटल एंट्री करा दी तो फिर अकाउंट का मतलब नहीं रह जाता कोई पेपर में एक ही चीज पूछेगा ठीक है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। तो ये लॉस किसकी वजह से आया है? प्रीमियम ऑन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये जो लॉस ऑन इश्यू आया है ये किसकी वजह से आया आपने रिडम्पशन पे जो प्रीमियम दिया उसकी वजह से आया है तो कितना प्रीमियम रिडम्पशन पे था तीन लाख का और इसको राइट ऑफ आपने सबसे पहले किस चीज से किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम से टू लाख फोर्टी थाउजेंड जो बाकी बैलेंस बचा है सिक्सटी थाउजेंड यह आपने राइट ऑफ किससे किया भाई स्टेटमेंट ऑफ पी अकाउंट से यह आ गया तीन लाख ये आ गया तीन लाख ये सिक्सटी थाउजेंड का आ गया बैलेंस ठीक है तो ये क्वेश्चन क्लास पूरी तरीके से खत्म हो गया इस पूरे 2022-23 में जितनी जनरल एंट्री बनानी बन सकती थी इसमें एक तो आपको वो बनाना था और दूसरा आपको क्या बनाना था क्लास कि आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना था ठीक है आई होप क्लास ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा बड़ा क्वेश्चन था आप इसे छह नंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ तक कर लेना अच्छे से सारा कुछ और अग ये चैप्टर तो आज पूरी तरीके से ख़त्म हो गए यहाँ पे और कुछ बचा नहीं है इसके अंदर कंप्लीट चैप्टर का दी एंड हो गया तो इसी तरीके से क्लास आपके हर एक चैप्टर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं तो आप भी इसका अच्छे से रिवीजन इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस एस पी सी सी एप आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आप डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की कर सकते हो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जगह मिल जाएगा तो आज फाइनली हमारे डिवेंचर चैप्टर खत्म हो गया तो अच्छे से क्लासेस को रिविजन कर लेना प्रैक्टिस कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियों अच्छे लगे लाइक करना क्लास कॉमेंट करना स्टेट ट्यून स्टे, स्टे कनेक्टेड टिल एग्जाम तक तो बहुत सी वीडियोस आएंगी बहुत एफर्ट डालूंगा क्लास ताकि आप सबका बोर्ड और सीओ दोनों अच्छे से निकल जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दें टेक केयर बाय बाय